आप सबको अभिवादन है। और हमारे जो एल्डर है अभी, जैसे मैंने बताया भट्टाचार्य जी हैं यहाँ, तो उनको हमारे चरण स्पर्श है, उनसे हम लोग पढ़े हैं आज जो कुछ भी है, इसलिए उनका नाम सबसे पहले तो उनकी चरण वंदना है। जैसे तो आज तक की जो कहानी थी हम लोगों ने सुनी, हमारा जो ये NRIPT था, कैसे 55 में पार्लियामेंट का 5-year प्लान में पास हुआ और कैसे फिर चला 59 पहला बैच निकला, जो पहले बैच के दो बंदों से आप मिले, आज हम भट्टाचार्य से मिलेंगे। 59 में पहला बैच था, उस समय ये 2 साल का कोर्स था, बाद में 3 साल का हो गया और आज तक बहुत लोग इससे निकल चुके हैं और कई लोग बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर ही गए हैं, कईयों ने अपने मॉल बनाए, अपने थिएटर बनाए, तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो बिल्डर भी बने। खैर, पढ़ाई वही की है, क्योंकि मेरे को पता है कि NRIPT में सिर्फ प्रिंटर पैदा नहीं होते, विश्वकर्मा पैदा होते हैं, सारे बंदे क्रिएटर ही हैं जितने भी वहां से निकले हैं, दे हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू। जिसकी भी कहानी हम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी पिछले 2 एपिसोड में, तो सबकी कहानियां नई थी, सबने कुछ नया किया है, सबने कुछ अलग किया है, आज भी सुनेंगे। तो हमारी आज जो आज तक की कहानी थी, हमने देखा भूतों वाला किस्सा भी आ गया और जो थोड़ा सा वहां गड़बड़ हुई थी वहां पर हॉस्टल में, उसका किस्सा भी पिछली बार आ गया, हम लोग पहुंच गए थे काफी आगे तक। तो आज मेरी ये इच्छा है कि आज हम ये करें जो नए स्टूडेंट उससे शुरू करें, क्योंकि नहीं तो उनकी बारी आती नहीं है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी विल स्टार्ट टुडे विद भट्टाचार्य जी के आशीर्वाद से शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले उनको बुलाएंगे, उसके बाद जैसे भी लोग हैंड रेज करेंगे तो उन लोगों को हम बुलाएंगे। जैसे आप अपने पुराने किस्से सुनाना चाह रहे हैं या कुछ कॉलेज के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं, हमें कुछ यादें मिलती हैं पुरानी और अच्छा लगता है कि अब लोग इतने लोग पुराने मिले। हमारे पास चावला साहब रात के वहां पर 12:30-1 बजने लगा, वो बैठे हमारे वेट कर रहे हैं। तो कोहली साहब भी ज्वाइन करेंगे डेनमार्क से, तो बहुत से लोग हैं। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और मैं फिर एक बार फिर से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। उनके कारण हम लोग यहाँ पहुंचे, उनके कारण हम बने, उनकी चरण वंदना है। हमारे भट्टाचार्य जी हैं, तो ये सबसे पहले इनके आशीर्वाद से हम शुरू करेंगे। मैं एक्चुअली आई ओपनिंग बैच में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं पढ़ने के बाद डिप्लोमा करने के बाद तुरंत ही उसके बाद मैं NRIPT में इंस्ट्रक्टर हो गया। नागपाल साहब ने मुझे अपॉइंट कर लिया, तो सकरानी साहब वाज वेरी हैप्पी टू सी मी एज इंस्ट्रक्टर देयर, क्योंकि वो लोग जानते थे कि मैं थोड़ा मेरिट में अच्छा था और मुझे सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप भी मिला था। और उसके बाद फिर मैं इंस्ट्रक्टर रहा इन द ईयर 1962। नागपाल साहब ने हमारी स्टूडेंट बेरी को उन्होंने लेक्चरर सर्विस कमीशन से बना दिया, तब हमें बड़ा गुस्सा आया। हमने उनसे जाके सीधे कहा कि सर ये आपने बड़ा गलती किया, मैं सीनियर, उनका टीचर, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा, लेकिन आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। फिर उन्होंने क्या किया, बेरी को कोई क्लासेस नहीं दिया। हमने कहा अब मैं सर थ्योरी क्लासेस तो नहीं लूंगा, तो उन्होंने क्या किया, बेरी को लाइब्रेरी इंचार्ज करके लाइब्रेरी में बैठा दिया और मुझे फिर सारे क्लासेस दे दिए। क्या मिस्टर भट्टाचार्य जी थोड़ा कोऑपरेशन आपके तरफ से चाहिए। हमने कहा इस तरह से कोऑपरेशन नहीं मांगा जाता सर, किसी को दुखी करके आप कोऑपरेशन नहीं ले सकते। कहा मिस्टर भट्टाचार्य आई एम वेरी सॉरी। जब उन्होंने सॉरी कहा तब मेरा जरा दिल बिगड़ लिया, तो मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर उसके बाद 65 में बेरी ने, कहना नहीं चाहिए, नकली सिग्नेचर, वो चले गए बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में मैनेजर होके, तो वो पोस्ट भी फिर खाली हो गया। और 66 में गोयल साहब ने भी छोड़ दिया जी। अब सारा मैकेनिकल हैंड मेरे सर पे आ गया। मैं पढ़ाता था, लेकिन 66 में समाउ अदर मिस्टर नागपाल को गुड सेंस प्रिवेल्ड इन हिम,
कि ही प्रमोटेड मी एज लेक्चरर इन हैंड कंपोजिंग एंड गेव ऑल द पीरियड्स टू मी इन द ईयर 1972 मेरा कमीशन हुआ. तो कमीशन में अंदर ही कमीशन के बोर्ड में नागपाल साहब थे और डॉक्टर लाल थे. तो डॉक्टर लाल जैसे ही उठ के थोड़ा बाथरूम चले गए तो नागपाल साहब ने हमसे कहा कि मैकेनिकल का क्या हुआ, मैकेनिकल का क्या हुआ. हमने कहा सर ऐसा है कि वहां पर कोच साहब के फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरा जो है निकलने नहीं दे रहे इंटरव्यू. वो चुप हो गए. फिर लाल साहब आए, डॉक्टर लाल, फिर हमसे थोड़ा एक आध क्वेश्चन पूछा पाछा और फिर कहने लगा यस मिस्टर बटेजा जी यू कैन गो. मैं चलाया, मेरा कंफर्मेशन हो गया. उसके बाद से मैं कंटिन्यूड रहा. मैंने कई दफे नागपाल साहब से और टीचिंग तो मेरा बहुत ही अच्छा था, चाहे मैकेनिकल हो चाहे हैंड हो. Each and every student praised my teaching और सब पास हो गए. जब सब पास हो गए तो नागपाल साहब हमको बड़ा थैंक्स दिए. कहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य जी एक गलती जो हो गई सो हो गई, अब नहीं होगी. तो हमने कहा सर ऐसा करिए कि मेरा नाम हेड के लिए रिकमेंड कर दीजिए. तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिकमेंड करता हूँ, होना और ना होना उन लोगों के ऊपर है. हमने कहा ठीक है. मैं पढ़ाता रहा, मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा, स्टूडेंट्स हमें बड़ा चाहते थे और मुझे नागपाल साहब ने वार्डन भी बनाया. मैं कोई ऐसा पोस्ट नहीं था कॉलेज में जो मैंने होल्ड नहीं किया, जैसे स्टोर इंचार्ज, वर्कशॉप इंचार्ज, वार्डन, वार्डन, स्पोर्ट्स इंचार्ज, सब पोस्ट में होल्ड कर चुका हूं. और फिर उसके बाद मेरा बीएचयू में एज एग्जामिनर सिलेक्शन हो गया. तो बीएचयू में 31 साल तक एग्जामिनर रहा, 31 years. और ये हमारा बहुत ही बड़ा स्वीट मेमोरी है कि मैं वहां एग्जामिनर था. और फिर 4 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया. हम लोगों का सब्जेक्ट जो है उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया और 4 साल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और 4 साल मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, यही हमें याद है. और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्वीट मेमोरी है कि 4 साल बीएचयू और 4 साल यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया. ऑफ कोर्स संविदा में, रेगुलर नहीं संविदा में. और इन द ईयर 95 एट द एज ऑफ 58 आई रिटायर्ड. वो एक शर्मा लड़का था. अच्छा. एक शिक्षार्थी लड़का था. तो शर्मा वेंट टू अमेरिका. शिक्षार्थी जो है वो लंदन चला गया और दो एक लड़के ये यूएई में चले गए, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में. ऐसे मतलब लड़के तो खैर काफी अच्छे थे और अच्छे अच्छे जगहों पे पहुंच गए हैं. एंड दे स्टिल टेक माय नेम, ऐसी बात नहीं है. आई एम प्राउड ऑफ देम. बहुत अच्छा लगा सर. और कोई याद वहां की सर, जब आप सर्विस कर रहे थे कुछ और यादें वहां की, इलाहाबाद की कुछ यादें? और तो उतना याद नहीं है. मैं सिंसियर टीचर था, बस टीचिंग करता था और क्या. और हमारा एक स्ट्रोक हो गया 1917 में, उसके बाद से मैं काफी कुछ भूल गया 2017 में.
सर आपके आशीर्वाद से आपको, जैसे आपने नाम लिया शिक्षार्थी है हमारे साथ यहाँ, मैं उनसे भी बात कराऊंगा बाद में आपकी, और मिस्टर सिन्हा थे जो डायरेक्टर प्रिंटिंग बने वो भी यहाँ हैं, और बहुत से लोग हैं सर, और जो आप लोगों से, आपसे पढ़ के ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, आज जहां भी कोई पहुंचा है आप लोगों का आशीर्वाद है सर, और आपकी जो शिक्षा है हमें अब भी याद है, सिर्फ वही नहीं सभी लोग आपको याद करते हैं, इसीलिए आप ऐसे सिन्हा जो है वो ही इज अलाइव और सिन्हा इज देयर। यस सर, सिन्हा साहब है सर, मैं अभी बात करा देता हूँ आपसे पहले। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी सिन्हा जी, जरा भट्टी से बात करना चाह रहे आपसे। हाँ प्रणाम प्रणाम सर, भट्टाचार्य आपको याद कर रहे थे। हाँ भट्टाचार्य जी प्रणाम। अरे हेलो। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम प्रणाम सर। हाँ भैया आशीर्वाद, कैसे हैं, कहाँ हैं आजकल? आजकल मैं नागपुर में हूँ, नागपुर में अपने बच्चे के पास हूँ। हमारे पास राजीव राजीव कुमार सिंह है सर, आर के सिंह, आर के सिंह में बात करना चाह रहे हैं आपसे सर। आप आर के सिंह जी सर? हाँ राजीव कुमार सिंह सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजीव, तुम कैसे हो? तुम तो गायब हो गए थे। ठीक हो गया सर। अच्छा चलो, फाइटिंग फिट, बहुत अच्छा बहुत। सर हमें वो दिन नहीं मिलते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमको देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर हम तो वो दिन याद आते हैं जब आप हमें पढ़ाते थे, और जो आपने पाइका की थ्योरी बताई थी जी, स्टिल आई रिमेम्बर। और मैंने ट्राई किया आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करने की। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमें दिन वो याद आते हैं जब आपके कमरे में बैठ के हम लोग, व्हेन वी वर, क्या होता है, हम जब कॉलेज में आ गए थे तो आपके कमरे में बैठ के हंसी मजाक। आप कुछ याद आ रहा है सर? हाँ हाँ हमको याद सब कुछ है, लेकिन वो 2017 में एक हल्का सा स्ट्रोक हो जाने के बाद काफी कुछ गायब हो गया दिमाग से। सर सब लौट आएगा, सब लौट। बिल्कुल सर, मैं इलाहाबाद जब आऊंगा मैं सर आपसे मिलूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर बच्चे के पास से कब लौटे आप? अभी तो वो चल रहा है, क्या नाम, लॉकडाउन, कोरोना। हाँ और लॉकडाउन भी चल रहा है जी, सबसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ। गवर्नमेंट के तरफ से भी बोला था कि 65 साल के ऊपर वाले बाहर ना निकले, तो मैं स्पेशली नहीं निकल रहा हूँ। आप अभी कहाँ पे हैं सर? बच्चे के पास हैं कि इलाहाबाद में? मैं नागपुर में हूँ। हाँ अरे वाह, नागपुर में अपने बच्चे के पास। हाँ हाँ, चुमकी कहाँ सर आजकल? चुमकी गाजियाबाद में है। अच्छा अच्छा, इस टीचर देयर जी। हाँ, और उसके हस्बैंड डीआरएम है, डिप्टी रीजनल मैनेजर मेडिकल कंपनी में जी। हाँ सर, मैं चाहता हूँ जो एक चोपड़ा जी इंडस्ट्रेंड की, कोई लौटा दे मेरे भूले बीते हुए दिन। मैं आज भी कहता हूँ कोई मुझे लौटा दे उसी समय के दिन जब हम कॉलेज में ज्वाइन किए थे एज ए फैकल्टी, और उसके बाद जो आप लोगों का हमें सामने दर आप लोगों से सीखो। अरे तुम भी तो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे भाई, तुम भी तो काफी मेरिटोरियस थे। सर मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता ना सर, हमारे तो गुरुजन ही करेंगे। वो अलग बात है, वो तो हम लोगों को याद रखना है, हम लोग याद रखते हैं, जब चेहरा देखते हैं तो तुरंत सब सारी बातें याद आ जाती हैं, तो वही मैंने कहा तुम भी तो काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे भाई। सर और घर में सब लोग कैसे हैं सर? और सब ठीक है।
सर। और बेटा क्या कर रहा है सर इस समय? बेटा इस वक्त एक्चुअली दिल्ली में पोस्टेड है, लेकिन वो कोरोना के चक्कर में वो गया नहीं, यहीं से वो सारा काम कर रहा है। क्योंकि वो बॉम्बे से दिल्ली चला गया है एंड ही इज नेशनल क्रेडिट मैनेजर दीज डेज। ओके फाइन सर। ये सुशील वर्मा जी हैं आपके ग्रुप में? सर आज शायद अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और तारकेश प्रसाद जी हैं सर अभी? तारकेश प्रसाद जी आ गए, मैं बुला लेता हूँ आपसे। तारकेश प्रसाद जी सर, चरण वंदना, आपकी भट्टाचार्य जी वेट कर रहे हैं। हाँ भट्टाचार्य जी। हेलो, की खबर? नमस्कार तारकेश साहब। की खबर? सब भालो, सब ठीके अच्छे, सब ठीके अच्छे। अपना चेहरा तो अनेक बदले गए थे। सब आपको भी हम नहीं पहचान पा रहे थे। अच्छा, अब ये कैमरा आज चल नहीं रहा है? नहीं चल तो रहा है, हम तो सुन रहे हैं। हाँ नहीं, आवाज सुन रहे हैं ना? पिक्चर नहीं आ रही, पिक्चर नहीं आ रही है। और अच्छा, वही नागपुर में? हाँ नागपुर में है। हाँ, आपके हालचाल, हमको मिश्रा जी से मिलते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ, आपके सामने रहते हैं ना। हाँ, और हेलो। हाँ ठीक है, बस वही एज प्रॉब्लम, एज फैक्टर है, जैसे आपकी हालत है वैसे ही हम लोगों की भी हालत है, और कम और ज्यादा। हाँ, अब आ गई? हाँ आ गई। और सना जी ठीक है? जैसे आप दिन पर दिन काट रहे हो, वैसे ही मैं भी दिन पर दिन काट रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम लोग लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं। हाँ, और मोतीलाल जी से बात होती है? किससे? मोतीलाल जी से। मोतीलाल जी का नंबर ही नहीं मालूम, कोई उन्होंने कभी हमको फोन भी नहीं किया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हमने तो आपको एक बार फोन किया था। अच्छा, ऐसे हाँ, याद होगा आपको, तो डायरेक्टर हो गया। हाँ वो डायरेक्टर है। हाँ, और सब कट रहा है बस। सर ये कुलदीप चावला आपकी ठीक है? सर ये ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये कुलदीप चावला जी है, यूएसए से आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर सर भाई। बोलिए कुलदीप जी। पहले तो सब गुरुजनों को प्रणाम। हाँ खुश रहिए, खुश रहिए। सबके चेहरे चेंज हो चुके हैं, पहचान में नहीं आते। उम्रो दराज ने तो सबके चेहरे पे चेंज लिख दिए हैं, इंक्लूडिंग मी। नाम सबके आ रहे हैं, चेहरे अब पहचान में आ रहे हैं। मैं 79 में पास आउट हुआ था। तो राजीव जी मेरे सीनियर थे, डे स्कॉलर थे, सीनियर थे हमारे। तो मैंने तो ज्वाइन किया था पहले अलाइड प्रिंटर्स थॉमसन ज्वाइन कर गया। टाइम सेवेंटी ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी लाइन ही चेंज की। अच्छा अच्छा, अब किस लाइन में गए आप? मैंने फिर ओरेकल सर्टिफिकेट किए, आईटी बेस में चला गया मैं। अच्छा, मैं टाइम सेवेंटी में सीनियर मैनेजर मॉडर्नाइजेशन था। अच्छा अच्छा, तब मैंने छोड़ा उसको। तो और परमजीत सिंह कैसे हो? ठीक हो परमजीत सिंह? हाँ चावला जी, अब मैं यहाँ यूएस में बैठा हूँ, आईबीएम में काम करके हटा हूँ मैं, और जैसे अच्छा अच्छा
सारे विश्वकर्मा है तो यूएस में आप कहाँ हैं? आप कहाँ यूएस में पूछ रहे हैं सर? मैं आर्कंसा में हूँ, आर्कंसा में। अच्छा। अभी हमारी भी एक विजिट लगने वाली थी, बेटा हमारा गया था वाशिंगटन डीसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हो करके, तो करीब दो सेमेस्टर रहा वहाँ, तो हमारा भी विचार बन रहा था आने का, मगर आ नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। नहीं लेकिन अब अच्छा कि अभी आने का टाइम भी नहीं है। अब तो टाइम नहीं है, समय हम और पहले के 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, अभी तो एड्रेस आ गया है एलुमनी में, तो कभी भी आओ तो याद कर लीजिएगा, आ जाइएगा यहाँ पे। राहुल सकलानी वहीं पर है, राहुल सकलानी, सकलानी साहब का लड़का, वो लॉस एंजलिस में है। लॉस एंजलिस में है। अच्छा। और उसका कजन था अनिल सकलानी, वो न्यूयॉर्क में है। अच्छा। अमेरिका में काफी लड़के हैं, लेकिन वो उसी फील्ड में होंगे ना, चेंज नहीं की होगी फील्ड। हाँ उसी फील्ड में, कुछ उसी फील्ड में है, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। अच्छा। चलिए वेरी नाइस टू मीट यू चावला जी। ये तो कमल जी के चक्कर में सारे मिल गए। हाँ। तो सारे मोती बिखरे हुए थे। हाँ। प्रभात कुमार श्रीवास्तव। हाँ जी बोलिए। प्रभात कुमार श्रीवास्तव कौन है? ये प्रहलाद कुमार श्रीवास्तव के भाई हैं। मॉर्निंग सर। बताइए। हाँ मॉर्निंग। मैं सर प्रभात श्रीवास्तव हूँ, मैंने 76 में किया था। अच्छा अच्छा। हाँ लोकल सर वही इलाहाबाद का रेजिडेंट हूँ, और इसके बाद मैं सर चला गया था रेलवे प्रेस गोरखपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही पे सर रह गया सर, मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर से रिटायर हुआ 2013 में, और अब बच्चों के साथ मैं गाजियाबाद सेटल हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। गोरखपुर में तो काफी लड़के थे, अनिल सिंह, सुनील सिंह सर, कई लोग। हाँ सुनील सर, पूरामणि मिश्रा, राजकुमार सिंह, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। अच्छा, हमारे बैच के ही सीनियर में राकेश कुमार भार्गव। हमारे बैच के डीसी घोषाल थे, दुर्गा चरण घोषाल, फिर शायद कलकत्ता चले गए थे। एक वो राजेश श्रीवास्तव थे। एक डीएन वर्मा जी ने ज्वाइन किया था 69 वगैरह में, लेकिन फिर वो चले गए थे नासिक। वो नासिक नासिक चले गए थे। हाँ हाँ हाँ। सर इस समय मैं बच्चों के साथ जो है, बेटा मेरा इंजीनियर है यहीं पर गुड़गांव में, और बेटा जो है वो बैंक में है, और बेटी यहीं पर नोएडा में ही बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में, और सनिंदा जो है वो डेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा तो अच्छा। बच्चे अच्छा। यहीं आ गए तो फिर मैं इलाहाबाद से पहले लखनऊ, और लखनऊ से फाइनली यहीं गाजियाबाद। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। श्री प्रसाद जी आपसे बात करो। बड़ा आशीर्वाद हमको मिलता था। हाँ हाँ बोलिए। हाँ श्री प्रसाद जी बोलिए। या चावला साहब नमस्कार, सभी गुरुजनों को नमस्कार। तो श्री प्रसाद जी आप बताइए किस साल पास किया सर को बताइए। हाँ सर मैं 1986 में पास आउट हुआ जी। और पास आउट करके सीधा मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिला, और 1986 से ही टाइम्स ऑफ इंडिया में हूँ, और आज के दिन में मैं कई दूसरे स्टेट घूम करके मैं महाराष्ट्र में भी था, कुछ दिनों के लिए कलकत्ता भी था, दिल्ली भी था, और अभी मैं लखनऊ में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को हेड कर रहा हूँ। प्लांटर एस एम हसनैन है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। एस एम हसनैन ये 69 बैच के हैं। बैच का हूँ, और प्रिंटिंग करने के डिप्लोमा के बाद मुझे एक डेली न्यूज़पेपर था आगरा से निकलता था, उसमें मुझे मैनेजर के लिए जगह निकली थी, और एक असिस्टेंट मैनेजर की निकली थी, तो मैंने मैनेजर के लिए अप्लाई किया, और एक आर के अथैया थे हमारे सीनियर थे एक साल, उन्होंने असिस्टेंट भी किया, दोनों सेलेक्ट हो गए वहाँ। वहां जब मैं गया तो वो 24 घंटे की नौकरी उसमें,
15 दिन के बाद मैं छोड़ के चला आया वहां से। उसके बाद फिर मैं चला गया वहां, क्या नाम है, रेलवे में। तो रेलवे में मैं वो चार्जमैन होता था, जेई कहते थे उसको, अब आजकल जेई कहते हैं, चार्जमैन पीसीओ मैं बन के गया वहां नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में रहा। फिर वहां से फोरमैन होकर के यहाँ आ गया लखनऊ में, टिकट प्रिंटिंग यूनिट हमारी लखनऊ में है नॉर्दर्न रेलवे, इसमें आया मैं। फिर उसके बाद जब फिर प्रमोशन का नंबर आया तो चीफ फोरमैन में, तो फिर चला गया मैं दिल्ली। फिर असिस्टेंट मैनेजर जब हुआ तो फिर लखनऊ आ गया। फिर सीनियर मैनेजर जब हुआ तो फिर वहां भेज दिया गया दिल्ली। लेकिन मैंने कहा मुझे तो 3 साल बचे हैं, मुझे यही रहने दिया जाए, तो वो मान लिया गया। मैं लखनऊ में ही से रिटायर हो गया 2006 में। और अब मैं जब अपॉइंटमेंट हुआ तो तभी मैंने कहा दिल्ली में कहाँ रहूंगा, प्लाट ले लिया था उसी में बना लिया है, रहते हैं, बेटा है। और वहां में पुराने जो है हमारे में अभी तारकेश्वर साहब से मुलाकात हुई थी, अभी देख रहे थे हमको यहाँ, वो जानते हैं उनको, भट्टाचार्य साहब को तो पहचान नहीं पाए हम, लेकिन जब आए तो सामने पहचान गए उनको। एक पीएल सोनी साहब है, ये लोग को पहचानते हैं हम। बहादुर साहब वहाँ की कुछ यादें बताइए ना, क्या कुछ खुराफाते की आपने? हम तो डे स्कॉलर थे, हम लोग खुराफात कहाँ करते, जहाँ क्लास बंद हो फौरन भागो घर। हमारे पास विनय कुमार श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय कुमार श्रीवास्तव बोलिए। नमस्कार, पहले मैं प्रोफेसर कमल शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सब मैं अपने सभी गुरु जी लोगों को प्रणाम करता हूँ जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, राकेश प्रसाद ठाकुर साहब, सोनी साहब, और इसके अलावा जितने मैं सीनियर्स हैं, सब बड़े भ्राताओं को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैंने 1977 में डिप्लोमा किया था इलाहाबाद से, उसके बाद अपना परिचय दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन किताब मन में काम किया, मैंने माया प्रेस में काम किया 1 साल के आसपास। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, सर्वे ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया, और वहाँ रहते हुए मैंने पीजी डिप्लोमा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इग्नू से डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया मैंने, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जेएनयू से डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज किया था। कुछ विचार था रशिया जाने का, उस दौरान यूपीएससी में पोस्ट निकली असिस्टेंट मैनेजर सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था 1987 में। फिर वहाँ मैं क्लास 2 एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया देहरादून के अंदर। उसके बाद मुझे मौका मिला सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर एक प्रेस सेट करने के लिए लखनऊ में, फ्लड प्लेन जोन करके, तो उसका मैंने प्रोक्योरमेंट काफ़ी कराया था, मशीन वगैरह परचेज मिस्टर रजनीश अग्निहोत्री जी से काफ़ी संपर्क हुआ हमारा। और वो प्रेस होने के बाद फिर मैं देहरादून सेटल हो गया, वहीं ऑफिस में था। तो वहाँ अपने कार्य के दौरान मुझे 3 प्रमोशन मिले, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जूनियर, सीनियर मैनेजर के पद से मैं रिटायर हुआ 1915 में, 2015 में रिटायर हुआ। और इसके साथ साथ कई बार मुझे डायरेक्टर का भी ड्यूटी चार्ज मिला, हमने काम किया सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। और फर्स्ट टाइम सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का प्रिंटिंग एडवाइजर रह चुका हूँ मैं अपने काम दौरान। इस सब का श्रेय देता हूँ मैं अपने गुरुजनों को, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा, और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री टी प्रसाद साहब का, अगर वहाँ पे उपस्थित हैं, कि उनके मार्गदर्शन से मैंने प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, डे स्कॉलर था। और ये हमारे पिताजी को पता था कि जब बच्चा पढ़ के निकले मैनेजर तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद काफी सबका सहयोग मिलता रहा और मैं अपने लक्ष्य हासिल यहाँ तक पहुँचा। और ये मेरा रहा सूच परिचय। इसके अलावा मैंने जो 2 दिन से जो आपकी मीटिंग शुरू थी उनको मैंने शामिल हुआ, उसको पढ़ा मैंने, देखा क्या है, तो जो समस्याएं निकल के आ रही हैं कि जो प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है वो मार्केट में वो कहीं कंपेयर नहीं कर पाते अपने को, तो उस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि जो हमारे ऑल इंडिया प्रिंटर्स एसोसिएशन है उनके द्वारा जो रिटायर्ड सीनियर अफसर्स हैं, सिन्हा साहब, अरुण सिन्हा साहब हैं हमारे, एक अपना DO लेटर लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, टेक्निकल डायरेक्टर को, इवन जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं डायरेक्टरेट को एंड कॉपी टू प्रिंसिपल को, ताकि उसमें कोई संशोधन किया जा सके भविष्य में।
अदरवाइज हम प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा अपना अनुभव है। तो ये हमारा सुझाव है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी प्रिंटिंग के लोकल या स्टेट वाइज फ्रेंड्स हमारे रहते हैं, बड़े भाता लोग हैं छोटे हैं, वो लोग भी आपस में कभी ऐसी मीटिंग करके चैट कर लिया करें तो गठबंधन हमारा बड़ा अच्छा होगा। प्रिंटिंग करने के बाद ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी जगह ज्वाइन किया जहाँ पे आप सबके दर्शन हो रहे हैं और बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। और प्रिंटिंग से चूंकि मैं डे स्कॉलर था, कॉलेज आता था पढ़ के घर चला जाता था, ज़्यादा इंटरेक्शन हॉस्टल में कम हो पाता था। कोई रूम नंबर वन में आर के शंकर थे, पांडे जी थे, रवि श्रीवास्तव थे, कुछ ना कुछ मुलाकात होती थी। और टिप शाह साहब घर में उससे चला जाता था, परिचित थे, पारिवारिक थे हमारे। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि जब फर्स्ट डे मैं प्रिंटिंग स्टूडियो पढ़ने गया था, एक हमारा अपना अनुभव है कि बाइंडिंग सेक्शन में गया और पहला बाइंडिंग की क्लास थी, ठाकुर साहब हुआ करते थे वहाँ प्रोफेसर हमारे। तो जाने के बाद मैंने महसूस किया कि फर्स्ट टाइम मैंने कोई मशीन वशीन देखी भी नहीं थी अपने लाइफ में। तो सबसे पहला काम उन्होंने मुझसे कहा जितने भी शीट्स वगैरह पड़ी थी उसको इकट्ठा करके लाओ, पाइलिंग करो, इकट्ठा करो। तो अनुभव लगा मुझे कि रियली मैंने ग्राउंड जीरो से सीखा वहाँ, कागज़ को इकट्ठा करना, फाइल करना। और ठाकुर साहब के बताए हुए डिफिनेशंस मुझे आज तक याद है, और टी प्रसाद साहब का बताया हुआ इम्पोजिशन जो था 8 पेज 16 पेज 17 पेज बहादुर सर का बना हुआ कलर स्कीम, उसी का मैंने भरपूर उपयोग किया और सर्वे ऑफ इंडिया को अपनी बहुत बहुमूल्य सेवाएं दे के आ रहा हूँ, अभी भी लोग मुझे याद करते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद जो ज्ञान हमारा था उसको मैंने काफ़ी इन्हेंस किया पीजी डिप्लोमा दिल्ली यूनिवर्सिटी करने के बाद में, वहाँ श्री मेहंदीरत्ता साहब का संबंध हुआ हमारा, साथ में उन्होंने काफ़ी हमको ज्ञान दिया। रजनीश अग्नोत्री जी का प्रोक्योरमेंट में मार्केटिंग में काफ़ी उन्होंने सेव किया मेरा, अब यहाँ हमें दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे हमको देख नहीं पा रहा हूँ किसी को। तो आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा इसके लिए, धन्यवाद जी। मिस्टर दिवाकर भार्गव वांट्स टू टॉक। सर मैं 75 का पास आउट हूँ जी। सर जी, और अभी सिन्हा साहब की बात सुनी, भट्टाचार्य साहब की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। और आपसे तो एक दफे मिला था, आप जब आप अपनी प्रेस में थे लुधियाना में जी। और सिन्हा साहब के साथ मिला था जी, अरुण के साथ। बोले सर कुछ यादें वहां की बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस सब 75 में पास आउट करके फिर अपना ही काम शुरू किया था। यादें तो सब गुरुजी की है, भट्टाचार्य जी की भी, सिन्हा साहब की भी, केसी कपूर साहब की भी, सबकी यादें तो हैं। अब आज की मीटिंग थी, मैं का अटेंड करते हैं, देखे और कौन कौन से गुरुजी वगैरह से मिलना होता है और अपने जूनियर सीनियर भाई मिलना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास दुरेंद्र से बग्गा है, बग्गा जी प्लीज आपकी बातें सुन रहा चाह रहे सभी लोग। वहाँ की तो बहुत यादें हैं मेरे पास, बताइए। NREPT मैंने वहाँ 3 साल गुजारे, 65 to 68 के अंदर मैंने इतना एंजॉय किया है पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में काफी रहा मैं, हर एक्टिविटीज में रहा और काफी एंजॉय किया। बताऊँ आपको मैं किस बारे में बताऊँ बोलो। असल में जिस टाइम मैं उस कॉलेज में आया था तो वहाँ का माहौल जो है कुछ इस तरह का था कि एक दफा तो मेरे को जैसे उन्होंने रैगिंग करते हैं ना वो किया, तो एक बार तो मैं घबराया। फिर वहीं के लोगों ने कहा कि इसके रैगिंग तो कर रहे हैं पर ये तो हमारे पे भारी पड़ेगा बाद में, और वही बात हुई। 3 साल जो गुजारे हमने वह पूरा होल्ड रखा, क्रिकेट में रहा तो मैं 3 साल कैप्टन रहा पूरा 3 साल, और बाकी भी जो भी मैं अपनी टीम को लेके गया कानपुर, अपनी टीम को लेके गया मिर्जापुर, और हमारे वार्डन साहब थे सक्सेना साहब, उनके साथ भी काफी एंजॉय किया, नागपाल जी के साथ भी काफी हमारा रहा, और हमारे बहादुर साहब जो थे हमारे स्पोर्ट्स के इंचार्ज उनके साथ भी काफी एंजॉय किया, पर वहाँ काफी एंजॉय किया हमने, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई भी थी काफी। सामने हॉस्टल, सामने कॉलेज था, इधर हॉस्टल था। तो अब क्या बताऊं मैं आपको, किस बारे में बताऊं, मैं तो एक एक चीजें बहुत है वहां पे,
एक एक चीजें याद है मेरे को, मेरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो ना तो मैं उसको लेकर चलता हूँ। वहाँ ऑल इंडिया वर्ल्ड टूर पे गए थे जब, वो बताइए। ऑल इंडिया टूर पे जब हम गए थे तो हमने वहाँ पे काफी एंजॉय किया। हमारी ट्रेन खराब हो गई थी एक जगह, करीब 10-12 घंटे खड़ी थी। हमारे साथ जो भी थे ऑल इंडिया टूर पे, कलकत्ता, बेंगलोर, बॉम्बे, जहाँ भी गए, मैसूर, हमने काफी एंजॉय किया। वो हमारे साथ जो ग्रुप था उनके फोटोज भी है मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल की है उनकी भी फोटो आपको भेजूंगा। हमारे आए दिन रोज कोई ना कोई एंजॉयमेंट होता ही था। आज हमारे को वार्डन साहब ने बुला लिया कि सर ये रोल पड़ा है, इस रोल को आप दीवार के ऊपर चढ़ा के बताओ स्लोप के ऊपर, तो हम आपको दूध पिलाएंगे। ऐसे रोज के रोज हमारा हॉस्टल वाले इकट्ठे होते थे और वहाँ एंजॉय करते थे। अब रही मेरी पढ़ाई की बात, मैंने पढ़ाई करने के बाद में मैं जब दिल्ली आया तो मेरे दिमाग में पक्का था कि मैंने ऑक्सफोर्ड मशीन लगानी है, बिल्कुल 100% था। तो मैंने एशिया प्रेस दरियागंज के अंदर सर्विस की करीब 1 साल विदाउट पे, वो लोग पे देना चाहते। मैंने कहा मेरे को प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मेरे को मशीन मंगानी, प्रिनेटा मशीन होती थी ऑफसेट की, उसके लिए हमने ऑर्डर किया और मैं जयपुर आ गया। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि मेरे फादर को ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने से फादर को लेके मेरे दोनों ब्रदर चले गए मद्रास वेलोर और मेरे को सीट पे बैठना पड़ा, जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, एक्चुअली में हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, वो संभालने लग गया। तो 1 साल के अंदर यह हुआ कि मैं पूरा इन्वॉल्व हो गया कंपनी के अंदर, और कहाँ मेरी ऑफसेट मशीन, कहाँ मेरी पढ़ाई, वो सब खत्म हो गई। मतलब मैं इस लाइन से बिल्कुल हट गया, 29 से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। इसलिए कमल जी मैं आपसे कह रहा था, कमल जी इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं इस लाइन में हूं ही नहीं। आपने कहा फिर भी आप आओ, यादाश्त जुड़ी रहेंगी। मैं वो यादाश्त ही है मेरे पास, सारी फोटोज आज भी है मेरे पास, वन टू ऑल टूर के भी है, मेरे दोस्तों के भी है, मैं भेजता भी रहता हूँ और भेजूंगा फोटो, तो बाकी सब यादाश्त ही यादाश्त है। और कंपनी को फिर बहुत ऊपर ले गया हम जयपुर में, जयपुर गोल्डन, हमारे पास 16 ब्रांचेज थी, करीब 20-22 ट्रक थे हमारे पास। उसके अंदर भी फिर क्या हुआ, 78 में हमारे हड़ताल हो गई ज्यादा लेबर की वजह से, तो हमने वो वहां से बंद करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी। फिर उसी पीक पे चल रहा था कि 80 के अंदर मेरे से जो बड़े ब्रदर थे उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए हाई ब्लड प्रेशर से, वहां से हमारा जो है काफी लंबा चक्कर चल पड़ा। गुर्दे फेल हो गए, उनको मैंने अमेरिका भेजा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में उन्होंने कैडेवर ट्रांसप्लांट करवाया, वो वापस फेल हो गया। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, भाई ब्रदर की सिस्टर की किडनी चाहिए, तो मैं फ्लाई कर गया न्यूयॉर्क। 1 साल में मारा उनको, मैंने अपनी किडनी दी, उनको ठीक किया और उनको वापस लेके आया। करीब 15 साल वो जिंदा रहे, उसके बाद अपनी किडनी मैंने उनको डोनेट की अपने ब्रदर को। ग्रेट सर, ग्रेट। तो उसके बाद में 15 साल यहाँ रहे, काफी ठीक चलता रहा और अब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Thank you, Bhagat Sahib. Thank you very much. We have with us BP Verma. He wants to talk, Mr. BP Verma. 73 batch क्या है शायद ये? हाँ जी। बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, मैं BP वर्मा हूँ। मैं 70 से 73 batch का था और मैं actually क्या, मैं day scholar हुआ करता था 1 साल, उसके बाद मैं hostel में आ गया था और वहाँ join करने के बाद actually हमारे जो बड़े भाई थे cousin brother, उन्होंने भी diploma किया था, आनंद जीवन वर्मा, उनका शारदा प्रेस था। He was the motivator for me to join this printing school. ये 73 में मैंने जो है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था भार्गव भूषण प्रेस अलोंग विद AK सिन्हा, और फिर 1 साल वहां पर काम किया भार्गव भूषण में। फिर वहां से मैं शिफ्ट हो गया था आज प्रेस में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर। फिर मैं करीब वहां पर 8 महीने काम किया, वहां से शिफ्ट करके फिर मैं आ गया एक पब्लिकेशन में, जीवन शिक्षा करके था। इस बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया था रेलवे में गोरखपुर में, तो गोरखपुर में ज्वाइन किया था इन 77 से 84 तक मैं था गोरखपुर में। फिर वहां से मैं प्रमोशन पाके मैं चला गया ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे में करीब 24 ईयर्स था। और फिर अगेन फिर वहां से मैं शिफ्ट होकर चला गया था बॉम्बे सेंट्रल रेलवे में। तो आई हैव रिटायर्ड एज ए डिप्टी चीफ मैनेजर सेंट्रल रेलवे बॉम्बे, और अभी मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, और कभी मैं लखनऊ में रहता हूँ, कभी हैदराबाद। मेरा बेटा हैदराबाद में है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
तो मैं मैक्सिमम उसी के पास ही रहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं लखनऊ आया हुआ था और ये कोरोना के चक्कर में मैं यहाँ फंस गया हुआ हूँ। और अभी देखिए कब तक यहाँ रहना होता है, यहाँ अपना भी घर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी अच्छी यादें हैं हमारी जो है हॉस्टल की भी, हॉस्टल में बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन होता था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता था, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, उसके बड़े अच्छे हैं। और आप तिलियागंज में वहाँ एक दुकान थी, चाय की दुकान थी, और एक थी लाला जी की दुकान थी साइकिल की, तो साइकिल लेके हम लोग जाते थे पिक्चर देखने, रात को 9 बजे जाते थे, 12 बजे लौट के आते थे। ये सब बड़ी अच्छी यादें थी। तो इस तरह से लाइफ ठीक ही चल रही है। मैं हमारे एक बेटा एक बेटी है, बेटी रहती है कटक में और बेटा हैदराबाद में। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे हैं राजेश भार्गवा जी। ओके थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। तो ये हाँ जी बोलिए राजेश जी बोलिए। कमल मोहन जी, मैं यूरोप अफ्रीका साउथ ईस्ट बहुत गया, मुझे हर जगह अपने स्टूडेंट मिले इलाहाबाद के और दिल्ली के, तो मुझे इतनी खुशी होती थी जब वो मिलते थे कि मैं क्या बयान करूं। तो कईयों को तो मैं पहचाना भी नहीं। एक मेरा स्टूडेंट साउथ अफ्रीका में पोस्ट मास्टर है, एक हेड मास्टर है स्कूल में, डिप्लोमा करके गए वहां और ये जॉब कर रहे हैं। तो पोटेंशियल बहुत है और स्पेशली इलाहाबाद के स्टूडेंट्स का, क्योंकि वहाँ बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हम लोग आगे पिकअप करने में बहुत आसान रहता है। और आरती प्रसाद जी को देखा कितने सालों बाद, भट्टाचार्य जी को देखा 50 साल बाद, बड़ी खुशी हुई, खून बढ़ गया। और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, मैं ठीक हूँ। आप भी तो हमारे बैच के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, थैंक यू सर। सर कमल सर नमस्ते, प्लस और अपने ग्रुप वालों को सभी को नमस्ते सर। सर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कई बार बातचीत होती है। अब जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मेरा सर एक थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड यूरोप एंड अमेरिका कनाडा काफी अच्छा एक्सपोजर रहा सर। आजकल जो है मुझको ऐसा लगता है कि अपने इंस्टीट्यूट को सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मैनपावर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए। और इसमें क्या होता है सर कि स्पेशली जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका कनाडा, वहाँ पे कंपटीशन इज वेरी टफ। वेरेज जब मैं थोड़ा सा यूरोप को देखता हूँ तो इन कंट्रीज में आजकल क्या हो गया सर कि जो यंगस्ट, जैसे कि मैं इन माय चाइल्डहुड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर वाज डेनमार्क, आज की तारीख में इंडिया आ गया है। तो होल यूरोप में क्या हुआ है सर कि इस तरह की जॉब में जो है ना यंगस्टर्स आजकल नहीं आ रहे हैं। पॉपुलेशन 50 लाख से शुरू होकर के 5-7 लाख पे यूरोप की खत्म होती है, बट जब मैं यूरोप को जाकर के देखता हूँ तो यंगस्टर्स इस तरह की जॉब में नहीं आते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने कई जगह पे इस तरह का किया यहाँ पे, बिकॉज आई स्टेशन एट जोधपुर, तो स्पेशली बी फार्मा एम फार्मा में हमने एक साथ में एक लैंग्वेज कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया। तो जैसे कि जर्मनी काफी कंट्रीज में बोली जाती है, फ्रेंच काफी में बोली जाती है, तो एक आई फाउंड इट्स कि विथ रेगुलर कोर्स अगर कोई एक्स्ट्रा इस तरह का कोर्स कर लेता है तो उन कंट्रीज में वेन वी अप्लाई तो बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से आपको जॉब मिलती है। एंड एक टाइम था इन माय चाइल्डहुड, हमारे इंग्लिश में एक ब्रेन ड्रेन करके एक टॉपिक था, तो ब्रेन ड्रेन को हम बड़ा बुरा मानते थे कि सब हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वी इन्वेस्ट ऑन द किड्स एंड ये सब बाहर चले जाते हैं। आज की तारीख में वो नहीं है क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हो गई है मैन पावर की, वो जाता है कंट्री के लिए पैसा कमाता है वापस भेजता है। तो बहुत एक अच्छा हम कर सकते हैं विथ दिस कि हम स्पेशली एम्फेसिस वहां करें जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, और बड़ा रेस्पेक्ट मिलता है और बड़े आराम से आपको मिलती है। इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े हमें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को छोड़ करके अगर करते हैं तो हमारे आने वाली जो जनरेशन जो है बहुत अच्छा स्कोप है उसके अंदर।
क्योंकि यूरोपियंस जो है वो कंधे उचकाते हैं और यंगस्टर जो है उनका मैं आई फाउंड इट्स कि व्हेन वी मीट देम तो व्हाई शुड आई वर्क और वो अब उनका हो गया वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे से 6 घंटे हो गया। मेरी लास्ट विजिट्स में थी वो 2-3 बजे तक तो अपना वर्क वाइंड अप कर देते थे क्योंकि इकोनॉमी इतनी साउंड है उन लोगों की कि ओवरऑल उससे काम चल जाता है तो दे नीड टेक्निकल पर्संस। तो मथुरा आप बिल्कुल सही कर रहे हो और आपको याद होगा इसी पर्पज के लिए पिछली मीटिंग में हमने एक कमेटी बनाई थी वी वांट के एनआरआईपी। आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो जैसे हर इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है साथ में लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है साथ में कम्युनिकेशन भी पढ़ाया जा रहा है लेकिन इसके लिए हमने क्या किया था पिछली मीटिंग में काफी डिस्कशन हुई डिस्कशन के बाद ये फैसला निकला कि सब कुछ हो सकता है अगर हमारी एक बॉडी बने बॉडी था एक हम एलुमनी एसोसिएशन बनाए जिसके बेस के ऊपर हम बात करें वो एक मेजर प्लेटफॉर्म हो जाएगा फिर उसके अंदर छोटी ब्रांचें हो जाएंगी कोई एजुकेशन देख रहा है कोई ट्रेनिंग देख रहा है कोई प्लेसमेंट देख रहा है तो अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं उसके बाद हम आएंगे दोबारा जो और लोग बात करना चाह रहे हैं तो उनसे बाद दोबारा आएंगे। तो अभी तारकेश्वर प्रसाद जी बैठे हैं भट्टाचार्य जी भी बैठे हैं तो बात ये थी पिछली बार हमने ये डिसाइड किया था कि हमने फिर कमेटी बना दी 4 बंदों की क्योंकि हमें पता लगा था कि पहले से एलुमनी एसोसिएशन बनी हुई है तो उसी को लेके चले नई बनाने की क्या जरूरत है तो वो मैं इनवाइट करूंगा हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उस कमेटी के मिस्टर बीडी मेहंदी रहता है अपनी रिपोर्ट देते हैं फिर इसी बात पर हम डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए तो वी स्पेंड टाइम ऑन इट तो उसके बाद हम लोगों के एक्सपीरियंस सुनेंगे। मेहंदी रहता जी प्लीज। यस मायसेल्फ बीडी मेहंदी रहता पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं मिस्टर भट्टाचार्य जी हैं वो तो मेरे को पहचान नहीं पाए और ना ही मेरा नाम ले पाए हालांकि मैं उनका बड़ा पेट स्टूडेंट होता था टॉपर था वहाँ पे और मैंने कुछ दिन पहले उनको फ़ोन भी किया था टेलीफोन के ऊपर बात ही हुई थी लेकिन परहैप्स उनकी मेमोरी की वजह से वो इतना मेरे को रिकग्नाइज नहीं कर पाए या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। एनीवे मैंने मतलब कि 1967 में अपना डिप्लोमा किया था NRIPT से और उसके बाद मैं सीधा थॉमसन प्रेस में लग गया था। थॉमसन प्रेस के अंदर मैंने कोई 9 महीने काम किया उसके बाद हमारी ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक अहमदाबाद में फोर्ड फाउंडेशन की कोलाब्रेशन से कैलिको मिल वालों ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने जितने भी रीजनल इंस्टीट्यूट थे वहाँ से एक दो बच्चे लिए थे और आई वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया तो मैंने वहाँ पे कोई 1.5 साल काम किया हालांकि हमारी 2 साल की ट्रेनिंग थी तो हमारे को 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने इंस्ट्रक्टर बना दिया था तो हम इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे थे। इन द मीन टाइम मेरे को ITDC में जॉब मिल गया तो मैं अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ भागा और ITDC में मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर ITDC से मेरे को एक स्कॉलरशिप मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू एंड आई वेंट टू जर्मनी। आई स्टेड इन जर्मनी फॉर 4 ईयर्स रदर 4.5 ईयर्स एंड 6 मंथ फॉर द लैंग्वेज। तो वहाँ पे मैंने मतलब के मशीन कंस्ट्रक्शन का कोर्स किया तो वहाँ से वापस आने के बाद तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रही थी एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि मशीन कंस्ट्रक्शन की इतनी कंपनियाँ नहीं थी और उस वक़्त जो हमारी प्लेंटा मशीन थी उन्होंने यहाँ पे एक अपना यूनिट लगाया था मनोग्राफिक के नाम से और उसमें जो है मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ तो देवर ऑफरिंग मी ओनली द सैलरी विच देवर ऑफरिंग टू दिस IIT ग्रेजुएट्स तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट एंड आई केम बैक। देन आई जॉइंड पीको प्रिंटिंग प्रेस इन चंडीगढ़ तो वहाँ पे मैंने कुछ देर काम किया और फिर मैं वहाँ से नागपाल जी का मेरा मतलब के काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट था उन्होंने ही मेरे को पीको प्रिंटिंग प्रेस चंडीगढ़ में डाला था तो वहाँ पे फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा है मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में तो आप जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी करो और दिन में जो है वहाँ आ करके पढ़ाओ पटियाला में चंडीगढ़ से तो मैं वहाँ पे गया और हमने 2 बैच निकाले वहाँ पे चंडीगढ़ में पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में और लेकिन हमने क्वालिफिकेशन रखी थी BSc फर्स्ट क्लास और हमारा जो कोर्स था वो 2 साल का था
वहां से दो बैच निकले, उनमें से 90% स्टूडेंट जो है वो एब्रॉड चले गए, और जो बाकी वहां के इंडिया में रह गए दे वर ऑल होल्डिंग गुड पोजीशंस। तो उसके बाद जो हुआ वहां पे थापर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आ गया, वो कहने लगा जी पंजाबी यूनिवर्सिटी जो है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है ये तो एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी है, ये वी कोर्स कैसे चला रहे हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रेस एंड ऑल दैट वी हैव गॉट फुल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा ये तो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ प्रिंटिंग से प्रोफेसर डुरंट को बुलाया, मिस्टर वी एन छावड़ा थे, और मिस्टर सी एन राव से एनसीईआरटी से, और मिस्टर श्यामजी दुबे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं था यहाँ पूसा से। तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया, उसके बाद जो है वो प्रोफेसर डुरंट ने कहा नहीं जी ये तो हमारा थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होना चाहिए, तो वहाँ पे जो है मतलब के ये स्टार्ट किया जाए क्योंकि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सर हमने वहाँ पे फिर वो उन्होंने जो वाइस चांसलर होते थे डॉक्टर अमरीक सिंह, उन्होंने कहा अगर हमारे यहाँ नहीं होगा तो हम वहाँ भी नहीं होने देंगे, तो वहाँ पे नहीं रहा। लेकिन क्योंकि मैं टीचिंग में ही रहा तो मेरा जो है ये था कि हमें नॉर्दर्न इंडिया में कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज स्टार्ट करना ही चाहिए, वी शुड हैव ए डिग्री कॉलेज इन नॉर्दर्न इंडिया। तो हमने फिर एक स्टार्ट किया और यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में, तो वहाँ पे जो है मतलब कि वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैप, तो वहाँ से मैं अभी तक भी अटैच हूँ, और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर कि हम मतलब कि नॉट ओनली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का भी ग्रेजुएट कोर्स कराते हैं, बीई कराते हैं, इवन वहाँ पे एमटेक भी चल रही है एंड पीएचडी भी चल रही है। तो हम जो है ये सारे के सारे अच्छी तरह से इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और मैं जो हूँ मैं पूसा पॉलिटेक्निक से रिटायर हुआ हूँ इन द 2011 में एट द एज ऑफ 65, क्योंकि मेरे को एक्सटेंशन मिलती रही थी, और फिर मैं 65 की एज में 2011 में रिटायर हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैं वहाँ पे 5 साल एज ए गेस्ट फैकल्टी अप टू द एज ऑफ 70 पढ़ाता रहा, लेकिन उसके बाद फिर 70 के बाद हमारे यहाँ अलाउड नहीं था, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया कलिंदी कॉलेज, वहाँ पे हमने बी वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया गर्ल्स के लिए जो आज भी चल रहा है। और वैसे मेरा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहा है, मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में कम से कम तो 20 साल पढ़ाता रहा इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ बुक पब्लिशिंग, बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में भी मैंने पढ़ाया है, और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ भी मैं अटैच हूँ, भोपाल की कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के साथ भी अटैच हूँ, और सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिवाड़ी के साथ भी अटैच हूँ। तो ये मेरा मतलब कि सारा वो है। तो हमारी ये अपनी एक इच्छा रही है कि हमारा जो नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है इसको जो है किसी तरीके से अपग्रेड किया जाए। तो कमल जी ने एक अच्छा मतलब के स्टेप लिया और उन्होंने कोशिश करी कि हमें जो है एक कमेटी एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए और एक एसोसिएशन बनाई जाए। लेकिन हमें टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, हालांकि मैंने उनके फंक्शन भी अटेंड किए हुए हैं, लेकिन मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है NRIPT एल्यूमिनी एसोसिएशन। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना उसी को जो है आगे फॉरवर्ड किया जाए, सभी उसी के मेंबर बन जाएं, और इंस्टीट्यूट की इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट ओनली द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट अपग्रेडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, दैट इन एडिशन टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वी शुड स्टार्ट सम अदर रिलेटेड कोर्सेज एंड वी शुड स्टार्ट इवन बीई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन दैट कॉलेज, और वहाँ के स्टाफ की भी जो है रिक्रूटमेंट करवाई जाए, बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ का प्रिंसिपल जो है वो हमारा प्रिंटिंग का डिसिप्लिन का नहीं है, डिफरेंट डिसिप्लिन से पॉलिटेक्निक से आ जाते हैं जिनको कि इतनी प्रिंटिंग की नॉलेज नहीं होती और फ्रेंकली उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो हमें इस चीज़ के लिए भी जो है मतलब कि हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करके ये चीज़ जो है
करनी चाहिए। तो इसके लिए जो कमेटी बनी हुई है वो कमल जी को पता है, और श्रीवास्तव जी ने भी जो NRITBT एलुमिनी एसोसिएशन बनी हुई है उन्होंने भी अभी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके भेजा है कमल जी के पास। तो कमल जी बताएंगे भाई इसको आगे कैसे करना। मैंने अपनी तरफ से सबसे बात करी है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार से भी बात करी है, मैंने BN माथुर जी से भी बात करी है, मिस्टर सिन्हा से भी बात करी है, मिस्टर श्रीवास्तव से भी बात करी है, इकरार अहमद से भी मैंने बात करी है। तो सभी यही चाहते हैं कि अपनी जो ऑलरेडी एसोसिएशन बनी हुई है उसी को जो है किसी तरीके से आप पे जो आगे जो है किया जाए। सर हम भी चाह रहे हैं आगे के सेना साहब यही है। सेना साहब उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको करिए चालू, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, उसमें आप उसको चालू करिए ना, मेंबर एनरोल करें तभी काम चलेगा ना। वो इन्होंने एक फॉर्म भेज दिया है मेरे ख्याल में। अच्छा हाँ, फॉर्म भी भेजा है और पूरा लेटर आया हुआ है मिस्टर श्रीवास्तव का, उन्होंने लेटर भेजा है। तो आप शुरू कीजिए सर, फिर उसमें ऑडिशन और डिले, क्योंकि अभी क्या अभी तो फिर धीरे अभी तो लोग इकट्ठे हैं, फिर एक एक करके सबको ढूंढना पड़ेगा, दैट विल बी प्रॉब्लम। सबकी राय भी अभी जैसे हमारे पास है इस समय 56 के करीब लोग हैं, उनसे राय ली जा सकती है। बिल्कुल, रवि श्रीवास्तव जी ने आपको एक लेटर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आजकल ना ये व्हाट्सएप के ऊपर 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो इंफॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, क्योंकि इतने इतने मैसेजेज आ जाती हैं। पीछे आपने जो है वो स्टार्ट किया था कि एलुमिनी जो थी एलुमिनी एसोसिएशन उसके अंदर भाई जो एडमिन है वही कंट्रोल करेगा और दूसरे वो नहीं, फिर आपने उसको खोल दिया है। सर एक्चुअली ऐसे है कि जो हमने जो ग्रुप बनाया था एलुमिनी सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया था, प्रीवियसली मेरा कोई वो नहीं था कि ग्रुप बनाना है। वो ग्रुप एक्चुअली जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं दोनों ओनली, अगर या तो कोई टेक्निकल ग्रुप बनते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, उसके अंदर फिर लोग वो कई को पोलिटिकल धार्मिक भी, देखो हमारे पास दोनों धर्म के लोग हैं, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, प्रिंटिंग में तो सारे एक है ना, जब वो डलना शुरू हो जाता तो आपस में कंफर्टेशन शुरू हो जाता। मैं कमल जी आपके साथ फुली एग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ वो जो हमारा एल्यूमिनी वाला है वो ग्रुप जो है दैट शुड बी ओनली टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल, उसके अंदर गुड मॉर्निंग एंड बर्थडे विशेष एनिवर्सरी विशेष और ये वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हालांकि आपने कई बार उसमें लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन मत दो, ये दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म, लेकिन लोग मानते नहीं थे, तो लेकिन इसलिए शायद आपने फिर बाद में उसको खोल भी दिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक ये रहे जिसके अंदर की प्योरली टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एक अपना दूसरा रहे जिसके अंदर सब आपस में विश करें, तो दो ही होने चाहिए इंस्टेड ऑफ ये 3-4 जो बने हुए हैं। इनको किसी तरीके से आप इसको देखिए कि ये दो ग्रुप ही रहे, वन प्योरली टेक्निकल और एक जो है दूसरा अपना जनरल मीटिंग्स के लिए। सर हमने तो जो हमारा कोई एक्चुअली ग्रुप ना तो मैं मैनेज कर पाऊंगा ना ये तो भी ये टाइम था, क्योंकि जैसे मीटिंग होनी सबको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो फर्स्ट मेरे को सबको अलग अलग से व्हाट्सएप भेजना पड़ा, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई। तब मैंने बात की, मैं कहा यार ये योगेश से बात की, मैं कहा योगेश यार मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके ग्रुप में नहीं है जो मेरे पास लिस्ट है, तो वो मैंने नया बना लिया, नए में मेरे को मैंने तो सिर्फ इसी पर्पज के लिए बनाया, उसके अंदर फिर वो शुरू हो गया। उसके अंदर मेरे को बड़ा ये होता है कि आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, हमारा रिलीजन तो प्रिंटिंग है, हमारा पॉलिटिक्स बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल प्रिंट है, तो प्रिंटिंग के ऊपर बात करेंगे तो ठीक, फिर दूसरा शुरू हो गया, मैंने स्टॉप किया, फिर रिक्वेस्ट आई लोगों की आपने गलत कर दी, मैंने फिर शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसमें उस तरह के मैसेज आने शुरू हो गए, तो मैंने सोचा था मैं जब ये खत्म होगा मैं बाहर निकल जाऊंगा, जो करते हो करते रहे वो तो अलग बात है। बगा साहब ने मेरे को एक फोटो भेजी है, मेरी फोटो 1965 की, जो कि मेरे पास भी नहीं थी, जो कि मेरे पास उसी फोटो की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कहोगे वो ग्रुप, मेरा तो आइडिया था कि जैसे अब ये हमारा ये जो यादों वाला सिस्टम खत्म होगा तो साथ ही ग्रुप खत्म कर देंगे, बट इफ यू विश यू कैन ट्राई द ग्रुप सो दैट इन्फॉर्मेशन मे रीच ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर उसको आप चालू कीजिए ना, जैसे अगर कुछ भी है एनरोल, सबसे पहले एनरोलमेंट से शुरू होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी एनरोलमेंट, हाउ मेनी मेंबर वुड लाइक टू एनरोल, तो उसके बाद आगे चलेगा ना काम। हाँ तो उन्होंने फॉर्म भेज दिया है, उन्होंने फॉर्म भेजा है आपके पास है, आपके पास होना चाहिए, आप देखिएगा। मेरे पास मैंने भी चेक किया, मेरे पास आया नहीं है, पता नहीं वो
मेरे अभी भी इसलिए चेक किया था, मेरे पास अभी तक नहीं आया। ए ए एक ग्रुप में डाला हुआ है, सिन्हा साहब बताएंगे कहाँ डाला गया है, सिन्हा साहब बताएंगे। ऐसी चीजें ग्रुप में नहीं डालनी चाहिए सर, ऐसी चीजें तो हमें आपस में रखनी चाहिए। पहले ग्रुप में तो तब डलेगा ना, पहले आप अपना जो हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको अप्रूव करें, फिर हम उसको सर्कुलेट करें। सर्कुलेट करने के लिए अभी मेरे पास लगभग 300 स्टूडेंट की लिस्ट है जिनके ईमेल है, तो वी विल सेंड ऑन द ईमेल, इट शुड गो पर्सनलाइज। तो जो ज्वाइन करना जा रहा है उसका क्या सिस्टम है, पेमेंट कैसे करनी है उसने, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द फीस, मेरे को कुछ नहीं पता। तो मेरे पास अच्छा, उन्होंने एक्चुअली बैंक की डिटेल भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्म भी दिया हुआ है और अपना इंट्रोडक्टरी लेटर भी दिया हुआ है। एनीवे अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो मैं आपके पास भेजूंगा या सिन्हा साहब से कहेंगे। रवि श्रीवास्तव आपस में मेरे को क्या भेजना, यू आर द फोर मेंबर, आप चार आप हो, तीन हो लोग, वो लोग हैं, एक प्रेसिडेंट हो गए, एक उनके सेक्रेटरी हो गए, एक ट्रेजरर हो गए, सात लोग हो, आप आपस में फैसला कर लो। हमें तो आपका फैसला मंजूर है, जैसे भी फैसला करोगे हम उसको आगे चालू कर लेंगे। नहीं, आपने इनिशिएटिव लिया है, दिस इज वेरी गुड, और आपका एक्सपीरियंस भी है एसोसिएशन वगैरह बनाने में, इनको कैसे रन करना चाहिए ये सारा, जो कि हमारे को नहीं है आपको है, तो हम तो आपकी गाइडेंस लेना चाहते हैं। हम तो कहते हैं ये जो ऑलरेडी एल्युमिनी एसोसिएशन पड़ी हुई है, बनी हुई है, उसको आपकी गाइडेंस चाहिए, आप उन्हें गाइड करोगे, हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और ये यंग स्टूडेंट्स हैं, इनको आगे आना चाहिए, दे शुड डू। हम तो अब बताएंगे, हाँ भाई ये जैसे आपने बताया भाई ग्रुप होने चाहिए, एक एजुकेशन के बारे में हो, एक प्लेसमेंट के बारे में हो, तो ये सारी चीजें जो है वहां पे मिलते हैं। ऐसे है कि जो एलुमनी एसोसिएशन का बड़ा सिंपल सिस्टम है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली जब स्टूडेंट वहां से निकलता है तो उसको वहां पैसे देने पड़ते हैं एलुमनी एसोसिएशन में। जैसे एनआरआईपीटी निकलेगा, वी विल हैव टू बी मेंबर, अगर उसने कहीं भी सर्विस लेनी है तो उसको वहां मेंबर बनना पड़ेगा, अगर उसने नहीं लेनी तो उसके लिए तो जल्दी क्या होता है, एक बार मेंबर बना लेते हैं जो बाकी एलुमनी एसोसिएशन में हो रहा है, और उसके अंदर एक प्लेसमेंट सेल की बहुत जरूरत है, खासकर आजकल के दिनों में क्या हो रहा है, कंप्लीट ले ऑफ। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा, हमारे यहाँ मिस्टर ओरी है, वो उन्होंने मेरे से वादा किया कि 10-15 स्टूडेंट मैं दूंगा। कमल जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एलुमिनी एसोसिएशन बनी हुई है, इनसे मेरी एक एक घंटा सबसे मेंबर से डिस्कशन हुई है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट के लिए नॉर्दर्न एनआरआईपीटी को बहुत हेल्प करी है, एंड दे हैव प्रोवाइडेड सो मच प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। सर एक्चुअली अभी आपने एक थोड़ी देर पहले बात की कि आपने भी दो फंक्शन अटेंड किया, आपको एसोसिएशन करना हाँ हुआ था? हाँ हमें नहीं पता था, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे पहले मेंबर तो बने, तो इसके हाँ। लिए आप है ना, जैसे आप मिलके, जैसे आप लोग चार आप लोग तीन वो है तो आपके उनकी मैनेजमेंट के मिलके डेटा डिसाइड कर लो, किस डेट तक आनी चाहिए सब्सक्रिप्शन, देन मेरे पास जो लिस्ट है मैं सबको शेयर कर देता हूँ, मेरे पास तो जो अभी करेक्ट करना तो उसका वो मैं कर लूंगा, लेकिन पहले स्टार्ट आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफिस भी है, सब कुछ है, आप हमें हेल्प कर सकते हो एसोसिएशन को, इस एसोसिएशन को, तो दैट विल बी वेरी गुड, हम आपके पास भेजेंगे उसको, हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आर के सिंह साहब जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो सारी एक लिस्ट भी उसमें आ जाएगी, जितने आज तक हमारे वहाँ के पास आउट हैं सबके नाम वगैरह आ जाएंगे। इस बारे में हमारे पास हैं टी प्रसाद जी या भट्टाचार्य जी, कुछ कहना चाह रहे हैं भट्टाचार्य जी, बोलिए सर। ऐसा है जी, मैं बीडी मेहंदी लगता है को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था, तो बीडी मेहंदी एंड ही वाज टॉपर, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, he phoned me up a day some days before, तो भाई बीडी मेहंदी लगता है, don't mind it, ये एज की बात है बस, और हम अब बैठ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपकी वजह से ही वहां पे ज्वाइन किया था लेटर प्रेस प्रिंटिंग, और आप मेरे को भूल गए। जस्ट अ चांस, जस्ट अ चांस, और हम अब इस वक्त अब बैठ नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद आरिफ बात करना चाह रहे हैं, मोहम्मद आरिफ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर सीनियर सर। सर आपने ये जो एल्युमिनियम मीट बनाया बहुत अच्छा है,
और उसके साथ साथ सर आपने जो प्लेसमेंट सेल बनाने की बात की वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्लेसमेंट सेल सर एक होना चाहिए NIPT कैंपस में भी, क्योंकि सभी स्टूडेंट को अच्छे से प्लेसमेंट करा सकते हैं। सर माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ, NIPT स्टूडेंट बैच 2016, और सर मैं पास आउट 2019 में हुआ। तो सर आपसे हमारी मुलाकात एक दो बार हुई थी क्लास में, आप आए थे चाइना से, आपको कोई अवार्ड मिला था उस ऑकेजन पे, तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। और सर आप हमारे सीनियर्स जितने भी लोग हैं, आप हमारे बहुत सीनियर, बहुत बड़े सीनियर हैं, शायद मैं आप लोग के तुलना में तो कुछ भी नहीं। पर सर यहाँ पे NIPT में एक प्रॉब्लम सर ये जो कि कैंपस प्लेसमेंट की प्रॉब्लम, ठीक से सभी का कैंपस प्लेसमेंट सर अच्छी जगह पे हो नहीं पाता, ना तो सैलरी उसी बेस पे मिल पाती है। मैं दैनिक भास्कर प्रेस में सर मेरा प्लेसमेंट हुआ प्रीवियस ईयर में, तो ज़्यादातर सर प्रॉब्लम यही हो रही है सभी बच्चों के साथ कि प्लेसमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है पढ़ने के बाद, क्योंकि सर ठीक तरीके से प्लेसमेंट अभी हमारे बैच के अबाउट 40% बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। आपसे बता रहा हूँ बाबा दारा जी, जो तो आप आजकल की बात कर रहे हो, आजकल की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है ड्यू टू कोविड। अभी आपको मतलब मे बी इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल आल्सो, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर अपनी सर्कुलेशन उन्होंने गिरा दी और बहुत से अखबार बंद हो रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे, सिर्फ हमारे नहीं, मैं मतलब मैं एक बात कहूँ, मैं सिर्फ NIPT नहीं, जो इंडिया में जितने भी स्टूडेंट, मैं हर जगह जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, पत्रिका ने 26 बच्चे निकाल दिए, तो वो हमें बहुत, इस समय जो हालत है, इस समय हालत प्रिंटिंग इंडस्ट्री की इसलिए बुरी है कि आप देखो स्कूल कॉलेज खुले नहीं अभी तक, स्कूल कॉलेज खुले नहीं, उनके प्रिंटिंग का काम नहीं हो रहा, उधर न्यूज़पेपरों ने क्या किया, न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन डाउन होने से न्यूज़पेपर्स ने जर्नल प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया, दे आर गिवन द एड कि वी इनवाइट द जर्नल प्रिंटिंग, उससे जो प्रिंटिंग करने वाले बड़े बड़े एजेंसियां थी बुक्स वगैरह, उनका काम बिगड़ गया। अभी हालत चेंज हो रहा है तो, लेकिन डोंट वरी, प्रिंटिंग से बेटर कोई काम नहीं है वर्ल्ड में, मैं वो तो सर प्रिंटिंग से बेटर कोई नहीं है, इस प्लेटफॉर्म का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी जो आप कर रहे हो थोड़ा वेट करो, और बाकी जो प्लेसमेंट सेल की है वो हमारे जो है मेहंदी रीता जी लगे हुए हैं, उनके साथ और भी 3-4 लोग लगे हुए हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक पहले, क्योंकि प्लेसमेंट सेल से पहले एक एसोसिएशन बनाएंगे, एलुमनी एसोसिएशन, जिसमें आप मेंबर होंगे, सभी मेंबर होंगे, ओके सर, ओके, हिस्सा होगा प्लेसमेंट सेल का जी, तो जी उसके लिए कुछ बहुत लोग मदद कर रहे हैं सर। प्रीवियस ईयर से अब हम ही पास आउट हुए हैं, प्रीवियस ईयर से अभी तक घर पे हुए हैं, अब घर वाले तो अलग से ब्लेम करते हैं कि यार ऐसे ऐसा ट्रेड पढ़ने से क्या फायदा कि जो कि जॉब ही नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप लोगों को कई है ना, कई इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है, इसलिए आप कर रहे हो मामा दादा जी। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, नौकरी सिर्फ उसको मिलेगी जो काम करना चाहता है, जो पैसे लेना चाहता है उसको नौकरी कभी नहीं मिलती सर। क्या काम तो कौन पैसे देगा, नहीं आपको कमाने पड़ेंगे जी जी। आपको ये सीखना है कि आप किसी प्रेस में जाके उसकी प्रॉब्लम कैसे हल करते हो, वो सीखो, मशीन चलानी को सीखो, वो छोटी बात है, वो तो वो लोग सीख लेंगे अनपढ़ लोग। आप सिर्फ ये सीखो कि मैंने प्रेस को बेटर इंप्रूव कैसे करना है, प्रेस की प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, और कुछ नया कैसे करना है, तो आप भी कर सकते हो। प्रिंटिंग, मैंने एक वर्ड शुरू किया था जब आते हैं कि हर प्रिंटर विश्वकर्मा है, हर प्रिंटर, हम जो कर सकते हैं कोई इंजीनियर नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उनको लाइन के साथ चलना पड़ता है, हम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो सर हम लोग जो कर सकते हैं कोई इंजीनियर नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको करके दिखाना पड़ेगा। प्रिंटिंग में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आदमी धोखा नहीं मिलता, जितने भी हमारे प्रिंटर ये बैठे हैं ना, सब लोग ग्रास रूट से शुरू किया और टॉप पर गए सभी लोग, आप भी जाओगे। ओके सर, थैंक यू सर, ये आप, थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू, हाँ, तो हमारे सीनियर लीडर्स हैं सबको थैंक यू। कि आज जो हमारा जो वंडर है दैट इज वेरी वेरी स्पेशल, वो इज अ वर्ल्ड फेमस माइंड हैकिंग करता है, वो आप सबके माइंड हैक कर लेगा वो, तो मैं वो उसको एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी यार भी, जैसे दोस्त है मेरे लड़के का, तो उसको मैंने कहा था मिस्टर तुषार उसका नाम है, तुषार आर यू, इफ यू आर लिसनिंग प्लीज, पीपल आर वेटिंग फॉर यू, तो दैट्स अ बिग सरप्राइज फॉर यू। हाँ तुषार, या ही इज हियर, तुषार प्लीज, तो इज अ वर्ल्ड फेमस
इसका मतलब वैसे दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा से है। थैंक यू कमल जी, एंड आई होप आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स कमल जी। आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू कैन गिव मी शेयर स्क्रीन राइट्स राइट नाउ। वुड लाइक टू क्विकली शो माय रिस्पेक्टेड ऑडियंस। मैं देख पा रहा हूँ आप सब काफी मेरे बड़े समान हैं और आप सभी बहुत रिस्पेक्टेड एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको प्यार भरा नमस्कार फ्रॉम तुषार फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक। सर थैंक यू सो मच। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका एक बार पुनः दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। माय नेम इज तुषार वंस अगेन। आई एम बेसिकली एन इल्यूजनिस्ट एंड मेंटलिस्ट। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा अपना प्रोफाइल का, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा अबाउट वॉट एग्जैक्टली आई डू, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय वॉचिंग दिस बिफोर आई शो यू something about me myself. Such a brilliant magician, unbelievable. I had my goosebumps on. Absolutely fantastic. I have no idea how he did things. It was totally entertaining. He is able to charm the audience. Well, he was awesome. I've never seen any tricks like it. It was a mind-blowing show. It was fantastic. I was spellbound. I thought it was a dream. Give it up, guys, for the man of the hour, Tushar! Thank you so very much for watching the video. I hope you've enjoyed it. So basically, magician and illusionist. Thank you so much, Shri Prakash ji, for that thumbs up. Gives me a lot of confidence while you enjoy everything. Because hum log sab apne ghar pe baithe hain. Aur kya hua ki hum sab mil nahi sakte. But I'm sure technology ke madhyam se hum log apni dil ki bhavna, apne best wishes, apni blessings phir bhi pahuncha sakte hain. Aur agar main jo aapko dikhane ke liye ja raha hu, agar aapko achha lage, मैं आपको सुन तो नहीं पाऊंगा बट आपको देख पा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी अप्लॉजेस, अपनी क्लैपिंग्स या अपने बेस्ट विशेस के जरिए जरूर कोई ना कोई रिएक्शन दीजिएगा, सो दैट आई नो दैट यू आर एंजॉयिंग इट, और ये मुझे काफी मोटिवेट करेगा। वेल माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट टू शो यू अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अ मैजिशियन एंड एन इल्यूजनिस्ट, मैं आपको एक मेरे हाथ में इस समय एक डेक है, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स की डेक है। आई एम होल्डिंग अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कीप योर ईगल आइज, every single card is visible to all of you. अगर आप मेरी आवाज और मेरी वीडियो और मेरे हाथ में ये cards देख पा रहे हैं तो just give me a thumbs up. अगर आप इसके लिए ready हैं और देख पा रहे हैं, क्या बात है, wonderful. Thank you so much. I can see all of you very nicely responding. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a magician might show you a trick. गौर से देखिएगा. Keep your eagle eyes. A magician might show you a trick, but an illusionist will create an illusion for all of you. Are you ready for this? Are you ready for this, my dear friends? Gaur se dekhiyega. The complete deck is in my hand right now. Every single card is visible to all of you. Main sirf aur sirf ek chota sa illusion aapki aankhon ke liye create kar raha hoon. Don't blink your eyes. This is not any card in my hand. आपने अभी एक कार्ड देखा जो कि एक्चुअली में ब्लैंक हो चुका है, दैट वॉज एन इल्यूजन। बट ये एक कार्ड नहीं, ये एंटायर डेक एक इल्यूजन थी, लेडीज एंड जेंटलमैन। एवरी सिंगल कार्ड इन माय हैंड इज एब्सोल्युटली ब्लैंक विद नथिंग एल्स, कोई एक कार्ड मेरे हाथ में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सक्सेना, थैंक यू सो मच अनुभवा जी, थैंक यू अशोक लांबा जी, थैंक यू फॉर दोज रिएक्शंस माय डियर फ्रेंड्स।
थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. वेल गौर से देखिएगा देवी और सज्जनों, दैट आई एम होल्डिंग दिस डेक जो कि अभी ब्लैंक हो चुकी है, बट इसके पीछे से मैं चाहूंगा कमल जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आई रिक्वेस्ट रजनीश जी को एक बार आप अनम्यूट कर दें. रजनीश जी को, रजनीश अग्रिहोत्री जी, क्या कलर है इसका? या ब्लू एंड व्हाइट. ब्लू एंड व्हाइट, यू कैन सी ब्लू एंड व्हाइट. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आल्सो एन इल्यूजन दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर योर आईज. कीप योर ईगल आईज ऑन टू माय हैंड्स राइट नाउ. एवरी सिंगल कार्ड दैट यू सी इन माय डेक जस्ट गॉट ब्लैंक बट दे आर ब्लू. That is what Mr. Agnihotri says. Keep your eyes, as this was also a sweet little illusion created for your eyes, as every single card in my deck is not blue, but absolutely red. Every single card is a red card. Thank you so much, Mr. Agnihotri. I hope you are enjoying this. Yes, of course. Thank you so much. So that was just to show you, just to warm you up for now. But actually what I do is I combine a lot of body language, psychological entertainment, linguistic deception, verbal communication, and auto-suggestion, channelizing of energy. I combine all these aspects of mind reading to give you an illusion of sixth sense. We all have five senses, but actually I don't carry any supernatural power with me. I simply combine all my five senses to create an illusion of sixth sense. Let me explain you what I meant. I basically try and get into someone's past and take out some information from there. I predict thoughts. I channelize some thoughts to you. And that's what I'm going to do is right now. I'm going to randomly point out towards one of you. I see with me Mr. Siddharth Yadav. Mr. Siddharth, we are going to unmute you. I'll request Kamal ji to please unmute Siddharth Yadav here. Siddharth, kya mere ko sun pa rahe hain aap? Ji sir. All right, wonderful. Siddharth, Kamal ji, main iske baad aapse request karunga, so you can be on standby. You'll have to unmute Mr. Saxena, Yugantar Saxena ji as well. And after this, you will also have to unmute Anubhava ji, Anubhav Shiksha ji. मैं चाहता हूं कि आप अगले सिर्फ 30 सेकंड तक मेरी आवाज गौर से सुने और अपना कैमरा मत हिलाइएगा. माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम होल्डिंग अ मैच बॉक्स हियर. आई एम होल्डिंग अ मैच बॉक्स. वी आर गोइंग टू बर्न एन इमेजिनरी डेक ऑफ कार्ड्स. वी आर गोइंग टू बर्न एन इमेजिनरी डेक ऑफ कार्ड्स इन अ मोमेंट. सिद्धार्थ, मैं चाहता हूं कि ये जो डेक ऑफ कार्ड्स है जो कि आपकी इमेजिनेशन में, आप जानते हैं डेक ऑफ कार्ड्स कैसी दिखती है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ताश की गड्डी, राइट? तो सिद्धार्थ, मैं चाहता हूं कि अगर आपको इस समय पर इन ताश की गड्डी में, आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं और उसके बाद पिक्चर कार्ड्स होते हैं, राइट? यस सर. देयर आर नंबर कार्ड्स एंड देन पिक्चर कार्ड्स. तो अगर कोई एक कैटेगरी आपको बर्न करनी होती, आई एम होल्डिंग अ मैच स्टिक एंड अ मैच बॉक्स. मैं इसको जलाऊंगा और आपने मुझे बताना है आपको नंबर्स बर्न करने हैं. नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. या पिक्चर्स बर्न करनी है, जैक क्वीन किंग. वो पिक्चर कार्ड होते हैं क्योंकि उन पे पिक्चर बनी होती है. आप जो भी बोलेंगे हम उन्हें बर्न करेंगे और एट द एंड ऑडियंस वी आर गोइंग टू सेव समथिंग आउट ऑफ दिस बर्निंग. सो सिद्धार्थ, टेल मी व्हिच कैटेगरी डू यू वांट टू बर्न, नंबर कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स, क्विकली. पिक्चर कार्ड. Okay, perfect. So we will burn picture cards. That's amazing. Thank you so much. And we'll shift to Mr. Anubhava Shiksha ji and unmute yourself. Sir, can you hear me? Aap sun pa rahe hain mujhe? Yeah, I can hear you. Wonderful. So Mr. Anubhava, we just burned picture cards. Picture cards mean Jack, Queen and King. If I have to categorize them, I will categorize them in a little lame manner. That is men's and women's. Men's being Jack and Kings and women's being all the Queens. Kyunki ek taash ki gaddi ke andar, ek deck of playing cards ke andar, hearts, diamonds, queens, clubs, hukum, chidi, paan, eat, ye sare patte hote hain. For now, we are just concentrating on men's and women's in the picture card. Which one do you want to burn? You want to burn men's or women's? This is a difficult question, but tell me. Men's. You respect women and you're going to burn men. All right.
So men's are burnt, ladies and gentlemen, completely gone as per the choices. Sir, thank you so much. We are left with women's right now. As you wanted to save them, I told you that we're going to save somebody out of burning. So you just saved women's. I'm now going to come up to Mr. Parminder Singh. Mr. Parminder, you have the ultimate opportunity of saving one of the queens finally, because we have just saved them, but that's the last set that we are done with. You have Queen of Hearts, Queen of Diamonds, Queen of Spades, and Queen of Clubs. Assume that we have just put them into flame and you're going to just save one of the queen. Which one do you want to... Queen of Diamonds. Queen of Diamonds is what you have to save. That is something that is required. Perfect. Yes. No problem. The Queen of Diamonds. My dear friends, this is a random result of all your thoughts. And there's no way that I can influence you. Mr. Parminder, you said Queen of Diamonds finally. I'm holding this matchbox right from the very beginning in my hand and I have not taken this box out. If you have seen this, right, Mr. Parminder? Yes. Okay, if you carefully see now, inside this box, ladies and gentlemen, I have a card folded with a clip on it. Okay, I'm going to very carefully take that card out with nothing else in my hands so that I don't cheat. This card is now out with a clip over it, if you can see a paper clip. Yes? Okay, audience, I'm just going to put this box down and I'm going to remove the clip right now and take this card, open it and show you, ladies and gentlemen, that's how I influence your mind. This is exactly what Mr. Parminder said, Queen of Diamonds. Exactly what he said, the only card that I've been holding in that box right from the very beginning in my hand. Thank you for those applauses, ladies and gentlemen. I'm just going to close this with one final effect by getting into someone's past. Thank you, Mr. Arun Sinha, for those applauses. I'm just going to quickly close this with one final effect, performing for another 2 minutes. If you're ready for this, give me a thumbs up, audience. If you're ready for this, give me a thumbs up. Show me that you're all excited for this. Thank you so very much. Thank you once again, Parminder ji, for helping me with this. Okay, I'm now going to get into chat box. And I will type my name. मैं आप में से किसी एक के साथ ये कर सकता हूँ. I would want to get into someone's past and take out some information from there. और मैं आप में से किसी से भी ना पहले कभी मिला हूं ना कभी कोई बात हुई है. What I'm going to do is, my dear friends, I'm just going to type my name. And after you see my name, only after you see my name, that is Illusionist Tushar, which happens to be my social media handle also, my Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn handle also, Illusionist Tushar. The moment I punch my name, you have to punch your name in the chat box. So, jo bhi naam mere paas pehle naam, pehla naam aayega, will be selected for this game so that I don't randomly I select it. It should be very fair. But main request karunga, जो मेरे बड़े जितने भी मेरे यहाँ पर रिस्पेक्टेड एल्डर्स जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं जिनका मैं नाम ले चुका हूं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना नाम ना डालें सो दैट रेस्ट ऑफ यू कैन गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस. सो रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट एक्साइटमेंट. आई सी दैट यू आर वेरी एक्साइटेड बट डोंट पुट योर नेम्स राइट नाउ. अभिषेक, होल्ड ऑन, डोंट पुट योर नेम्स राइट नाउ. मैं नाम अपना डालूंगा और जैसे ही आप मेरा नाम देखें उसके बाद आप अपना नाम डालिएगा. गेट रेडी फॉर दिस ऑडियंस. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लविंग इट. आई एम गोइंग टू पुट माय नेम नाउ. परफेक्ट. सो ओके, ऑलराइट. सो आई, ऑलराइट, लवली. समबडी, लॉट ऑफ पीपल आर मैसेजिंग मी प्राइवेटली. डोंट मैसेज मी प्राइवेटली. यू जस्ट हैव टू पुट देम इन एवरीवन चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच. आई हैव अ लॉट ऑफ नेम्स नाउ टू टेक फ्रॉम. सो वी हैव अभिषेक विश्वकर्मा. Abhishek Vishwakarma has the very first name. Thank you so much for those lovely... Yes, sir. Okay, Abhishek. Wonderful. I can see you and I can hear you. Very good afternoon, sir. Very good afternoon. Abhishek, hum aaj se pehle kabhi mile nahi hai, right? No, sir. Nahi mile hai. All right. Main chahta hun ki apni life mein, aur ye na kabhi humne set up kiya hai, we have not spoken to each other, aisa kuch bhi nahi hai. Aap mujhe pehli baari jaan rahe hain, wo bhi online platform ke through. Right? Yes, sir. Abhishek, main chahta hun ki aap apni life mein ek aisa... इंस्टेंस इमेजिन करें. हमारे पास इस समय पर बहुत कुछ इमेजिन करने के लिए है, बहुत कुछ सोचने के लिए है,
दुनिया में बाहर लोगों के साथ हम सबके साथ काफी सारी स्ट्रगलिंग टाइम्स चल रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसमें से कोई भी नेगेटिव थॉट उठाएं, आप सारे नेगेटिव थॉट्स को असाइड कर दीजिए एंड आई वांट यू टू थिंक ऑफ वन पॉजिटिव थॉट ऑफ योर लाइफ सो फार, एनी मेमोरी जो जिसने आपको कोई अचीवमेंट दी हो, जिसने आपको कोई खुशी दी हो, एक ऐसा पल जो आप हमेशा याद करके खुश होते हैं, मैं चाहता हूं कि एक पल ढूंढ के अपने माइंड में उसे याद कीजिए और उससे वो खुशी एक बार फिर महसूस कीजिए। क्या आप कर पा रहे हैं? वो कुछ भी हो सकता है, वो 12th क्लास में, 10th क्लास में, किसी क्लास में अच्छे मार्क्स होने पर हो सकती है, अच्छी कोई अचीवमेंट लेने पर हो सकती है, कोई एक छोटी सी कुछ खरीदने पर हो सकती है, किसी के जन्म होने पर हो सकती है, इट कैन बी एनी सिंपल न्यूज। सो आर यू थिंकिंग ऑफ वन न्यूज राइट नाउ इन योर माइंड? यस सर। ओके, क्या बात है। देखिए कितना समय लग जाता है हमें अच्छी चीजों को ढूंढने में, तो मैं चाहता हूं आप सबसे कि नेगेटिव थॉट्स को असाइड करें और अपनी अपनी लिस्ट बनाएं जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, ताकि हम हमेशा उन्हें याद रखें, हमें इतना टाइम ना लगे। अभिषेक, ऑलराइट अभिषेक, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ, आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस कि ये कितनी पुरानी न्यूज है। क्या ये एक दिन दो दिन पहले कुछ घटना हुई थी, या एक हफ्ते पहले कुछ न्यूज हुई थी, या साल भर पहले, या पांच साल पहले, क्या इतना बता सकते हैं कि कितनी पुरानी न्यूज है? सिर्फ विद इन सर 4 months पहले। 4 months old, okay. And there is no way in the world I can ever know कि ये इसमें आपने क्या किया था, ये कितनी पुरानी न्यूज है और क्या हो सकता है। मैं क्या करने वाला हूं अभिषेक, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस पर्टिकुलर मेमोरी में वापस से चले जाएं, उसी दिन मौजूद हो जाएं, इमेजिन करें कि आज वो दिन है जिस दिन आपको ये खुशी मिली थी और ये वो पल है जिसमें आपको वो खुशी मिली थी। क्या आपको वो न्यूज, वो अचीवमेंट, वो गुड न्यूज, जो वो मेमोरी जो आप अभी सोच रहे हैं, वो जब हुई थी, एक्चुअली में जब प्रेजेंट हुई थी, क्या आपको उसका समय ध्यान है? आपने बताना नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा कि क्या टेंटेटिव टाइम ध्यान है। ओके, ध्यान है, तो आप उस मोमेंट में हैं जिस मोमेंट पे आपके साथ ये इंस्टेंस हुआ था। वेल ऑडियंस, आई एम होल्डिंग अ वॉच राइट नाउ इन माई हैंड एज यू कैन सी। अभिषेक, कैन यू सी द वॉच? यस सर। Wonderful. What I'm going to do is, I'm going to remove my watch. Abhishek, this watch will remain in my hand aur main apna virtual background hata deta hun taki aapko mere haath properly dikhe and there is no way that I can cheat or do anything. All right. So what I'm going to do is, Abhishek, abhi aapki ghadi mein time kitna hua hai? Ek 12:55. Haan, 12:55. Ek bajne mein 5 ya 6 minute hai. And that's what my watch shows. Everybody's laptop shows the same thing. Everybody's wristwatch shows the same thing. आपके अगर सामने wall clock है तो उसके ऊपर भी यही time हो रहा होगा. Audience, what yes, I'm going to do is, I'm going to turn the watch. I'm going to take the needle out. और मैं इसके ऊपर एक unique time set करने जा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है इतनी conversation करने के बाद अभिषेक से कि उनके mind में जो टाइम है वही टाइम मैं कोशिश करूंगा सेट करने की। दिस इज व्हाट आई कॉल एज मेंटलिज्म, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हेन व्हाइल टॉकिंग टू समबडी यू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आल्सो ट्राई टू रीड देयर एक्सप्रेशंस, यू आल्सो ट्राई टू चैनलाइज अ लॉट ऑफ थॉट्स फ्रॉम देयर माइंड टू योर माइंड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग वाइस वर्सा। ओके, आई थिंक अभिषेक आई हैव समथिंग ऑन माई वॉच एंड आई एम गोना लॉक इट टू वन टाइम। मैंने इसको एक टाइम पे सेट कर दिया है, घड़ी अभी भी चलना शुरू हो चुकी है, तो इससे पहले ये टाइम ज्यादा चेंज हो, हालांकि एक मिनट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अभिषेक, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिफोर आई शो इट टू यू एंड टू एवरीवन सिटिंग हेयर कि मैंने क्या टाइम सेट किया है, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आप इस समय पर अपने माइंड में क्या टाइम सोच रहे हैं। समय बता दे प्लीज, गो आउट लाउडली एंड क्लियरली। 9:30 PM इन नाइट। 9:30 PM इन नाइट। मेरी वॉच जो है एक एनालॉग वॉच है, डिजिटल वॉच नहीं है, तो इसमें को एम पीएम तो नहीं, पर इतना जरूर दिखता है कि मैंने 9:30 सेट कर रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स व्हाट आई कॉल एज माइंड हैकिंग। 9:30 PM एग्जैक्टली व्हाट सर कैसे सर कैसे ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी सालों की मेहनत है, दिस इज व्हाट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आई हैव इन्वेस्टेड close to 8 years of my life practicing this. Ladies and gentlemen, thank you so much for yes, your applause and aasha karta hu that thank each you, one sir. Of you I thank you so much Abhishek, I hope that I'm able to bring some sense of wonder, happiness and amazement to your mind and to your heart during this lockdown.
आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड इट. आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी ब्लेसिंग्स से ही एक मेरे जैसा आर्टिस्ट ग्रो करता है. ये बताकर बहुत खुशी होती है कि कमल जी और उनके सुपुत्र सुधीर जी, उनकी एसोसिएशन ओपीए और उनके ना जाने कितने क्लाइंट्स के लिए हम लोग ये ऑनलाइन शोज जो कि पूरा एक घंटे का साइकोलॉजिकल एंटरटेनमेंट है, हम लोग अपने घर से सबको अपने घर में बैठे हुए लगातार ना जाने कितने शोज के थ्रू एंटरटेन कर चुके हैं. आई एम रियली ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड बाय दिस इनिशिएटिव ऑफ कमल जी एंड हिज एसोसिएशन एंड हिज टीम फॉर ऑलवेज गेटिंग मी टू डू अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग shows for their clients and audiences. And I'm sure that if you have anything for us, you will definitely would love to come back to us. We will be more than happy to come back to you. Thank you so much, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed it. Thank you, Kamalji, once again. Thank you, can sir. Follow me. Thank you, Dayan. Thank you very much. And it was very nice and everybody liked it. Aapko tang karte rahenge hum, phir bhi kabhi. Would be my pleasure, sir. Would be my pleasure. All the people, please, given the chat, how do you like the show? Aapko chat mein daliye. माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ट्रेलर है. आई हैव अ कंप्लीट 1 आवर माइंड हैक शो जिसके अंदर हम बहुत सारी क्रेजी चीजें करते हैं. थैंक यू तुजा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. सो एनीबॉडी, अभी आपने वो देख लिया, अब पीछे चलते हैं हम जहाँ थे, अपनी जगह पर आते हैं. तो एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, कोई बोलना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा, अनुभव वांट टू से समथिंग. मेरा कहना ये है कि कमल जी, आप और मिंदी रत्ता जी, बिकॉज मिंदी रत्ता हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ओपनिंग कॉलेजेस एंड स्टार्टिंग, ही वाज मोर इन्वॉल्व इन एजुकेशन. सो यू ऑल, बोथ ऑफ यू शुड टेक इनिशिएटिव और एनआरआईपीटी को अपग्रेड कराने में बहुत फुटिंग पर होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. कॉलेज का अपग्रेडेशन के लिए you and Mendirata ji, isliye because he's more, he has been involved in lot of institutional activities, so unko knowledge us part mein zyada hai, and you have lots of contact along with, so aap dono ne initiative lena chahiye war footing par, jisse kuch aage kar sakega. Upgradation bahut zaruri hai, nahi to ladke jo niklenge wo old technologies se niklenge educated, उनको जॉब की भी दिक्कत होगी, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो मिलाना जा रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट है मिस्टर दीपक मौर्य. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सारे सीनियर्स का, एंड इट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है आप सारे लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में. सबसे ज्यादा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे सीनियर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सुनने का, और उनका एक्सपीरियंस जो है 60 बैच, 70 बैच, 80 बैच, इट वॉज रियली इम्पॉसिबल विदाउट यू ऑल. सो थैंक्स अ लॉट फॉर यू ऑल. तो मैं अपने बारे में अब बताता हूँ. 2012 में मैंने एडमिशन लिया था एनआरआईपीटी में, और 12 से 15 के बीच की मेरी जर्नी रही है, बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि वहाँ की जो भी जर्नी रही है. और किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, हर एक जगह पे बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा है हर एक टीचर्स का. और अब वो चीज़ें समझ जाती हैं इंडस्ट्री में, जब 6 से 7 साल मुझे हो गए हैं जॉब करते हुए. मैं प्री प्रेस में मैं काम करता हूँ, फोटोशॉप से मेरा बहुत ही गहरा लगाव रहा है, कलर से, फॉन्ट से और डिजाइनों से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है. कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी टीचर के पास हो, फ्रेंकली जाके उनसे बात करना, उनसे बहुत ही मतलब क्लोज में रहते कि ये कैसे होता है. क्वेश्चन तो मतलब हजारों हजार दिमाग में भरे रहते थे, और मिलते ही सारे क्वेश्चन की मतलब झड़ी लगा देना जैसे, और फिर उनसे जो भी रिस्पॉन्स मिलना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते थे. और वो जो लाइफ कॉलेज में बीती हुई है, वो जो टीचर एक एक इंस्ट्रक्शन देते थे, टाइम से आओ, कोर्स पूरा करो, असाइनमेंट लिखो, वो तब बहुत ही भारी सा लगता था, बोझ सा लगता था. बट अभी रियल लाइफ में जब कलर्स के बारे में वो तब बताया जाता था, और अभी प्रैक्टिकल देखो तो मतलब बहुत ही, तब वो चीज़ें उतना समझ नहीं लगता था. तब ऐसा लगता था कि बस ये पूरा करना है, इससे नंबर नहीं मिलेगा, इसको लिखने से सेमेस्टर में पास हो जाएंगे तो आगे जाएंगे. बट अभी जैसे इंडस्ट्री में कदम रखो तो सेम वही चीज़ें आपको मिलती हैं. और वो जो टाइम से आने की बात, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ वो सारे टीचर्स की, जो हर चीज़ कहते हैं टाइम से असाइनमेंट करो, वैल्यू ऑफ टाइम जो कॉलेज टाइम में दिया जाता था, जैसे ही इंडस्ट्री में पहुंचो तो वो जो फेस करने को मिलता है कि तब से अगर हैबिट डाल ली होती तो अभी जो करना पड़ रहा है, जैसे अभी भी हमें अगर मीटिंग में आना था, मतलब 11:00 टाइम था, तो तब की जो टाइमिंग थी अगर अभी वही हैबिट पड़ी होती तो 11:00 पे लोग आ जाते हैं, बाकी 11:10, 11:20 इस तरीके की चीज़ें. तो एक एक वर्ड, एक एक जो उनका जो थॉट्स होता है टीचर्स का या सीनियर्स का, हर एक चीज का, जैसे सीनियर की मैं बात करूँ तो जो रिस्पेक्ट, मतलब
आई डोंट थिंक ये चीजें सच में काम आती हैं जो उस एकेडमिक लेवल पे लोग बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और लगती हैं अच्छी ना लगती हैं, बट एक एक बात अगर सीनियर्स की और टीचर्स की, जैसे अभी भी बहुत सारी इनिशिएटिव चीजें मैंने सुनी यहाँ पे वो लगातार 20-30 मिनट से, तो डेफिनेटली ये सारी बातें आगे चल के जो 5-10 साल आएगा उसमें इनका यूज होने वाला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने अकाउंट पे स्पेस मेरे पास शब्द भी नहीं है और कि मैं और क्या बोलूँ, बट अगर मैं बात करूँ और अपने बारे में तो मैं यूफ्लेक्स इंडस्ट्री में 2015 से 2017 तक आई थिंक जॉब किया प्रीप्रेस में, फिर मैं हरियाणा में जॉब किया सिलेंडर डिवीजन में, इंडिपेंडेंटली मैं प्रीप्रेस संभाल रहा था। स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां हुई, आपसे बहुत सारे सिलेंडर कट, मुझसे बहुत सारे सिलेंडर कट जाते थे गलत डिजाइनों के कारण, डायरेक्टली क्लाइंट से बात होना, फिर ये कैसे हो गया, आपको इसका सारा नुकसान देना पड़ेगा, सैलरी कटेगी, तरह तरह की बातें, बहुत सारे प्रेशर, बात बात में गाली, मतलब गाली भी इंडस्ट्री में मिलती है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट। थैंक यू वेरी मच जो आपने किया, और ये बच्चा कलर थ्योरी पर इसने जो बनाया पता बहुत सिंपल है, एवरीबॉडी अगर हम किसी भी बच्चे को समझाएंगे तो इजीली बंदा समझ जाएगा व्हाट आर कलर्स, प्राइमरी कलर क्या है इसका। यस सर, हम लोगों ने भी, लेकिन द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग वाज वेरी गुड दीपक, थैंक यू वेरी मच। और कुलदीप चावला जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलदीप चावला जी प्लीज। मेरा तो कमल जी एक ही कहना है कि एक लड़का भी पूछ रहा था कि जॉब नहीं मिलती है या तो वो आई डोंट नो क्या क्या नाम क्या था उसका, बस ये सब उनके लिए है कि जब भी जाओ काम करने के लिए जाओ, पेचेक के लिए नहीं जाओ तो काम जल्दी सीखोगे, अगर एक बार पेचेक के लिए जाओगे तो काम नहीं आने वाला, पेचेक हाथ में आएगा फिर वो काम नहीं सीख पाता, तो इस वजह में जाओ कि तनख्वाह लेने नहीं जा रहे हो काम करने जा रहे हो, तो जो इम्पॉसिबल काम है वो भी हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरा नाम डाला था मिस्टर इम्पॉसिबल डाल दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो काम किसी से नहीं होगा मेरे को पकड़ा दो, और वो ये कहते थे तू कर देगा, ये बोलो तू कर देगा, मैं कहा आई विल ट्राई, पर नहीं 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 ट्राई नहीं चाहिए, बोलो कर दूंगा मैं तो हो जाएगा। सो ये आइडिया लेके चलो कि तुम अगर कर दोगे या तुम करने जाओगे तो कर दोगे तो 100% होके ही रहेगा, फिर उसके बाद अपने दाम मांगो। गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि मुफ्त में काम करो, नहीं 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 मुफ्त में कुछ नहीं करना है, पहले अपना काम दिखा दो फिर उसके दाम मांगो, फिर मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू ज्यादा साहब, थैंक यू वेरी मच। परमिंदर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, परमिंदर जी बोलिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई कहते भी जो काम करना चाहिए कॉम्बिनेशन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के साथ जब हम लोग पासवर्ड करके बाहर निकलते हैं मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों के साथ क्या क्या बीतता है, हर एक के साथ शायद ना बिताओ, दैट्स ओके। मेरे साथ जो बीता है आई वांट टू शेयर ऑल ऑफ यू, उन दिनों में तो लेटर बस से मैंने कोर्स किया था तो नेचुरली मेरे को बाहर पटियाला में बिलोंग करता हूँ, पटियाला में इतनी बड़ी पैस नहीं थी कि मेरे को कोई अच्छा जॉब सुपरवाइजरी मिले, तो आई स्टार्टेड के ठीक है मैं कंपोजिंग करने के लिए तैयार हूँ, देन आई मैंने पंजाबी की वो कंपोजिंग सीखी, देन आई वेंट टू वन फुर्तियाँ प्रेस थी वहाँ पर एट दैट टाइम, अभी बहुत बड़ी थी, बोला कि मैंने कहा आप ट्रायल दे दीजिए, आई वेंट टू द कंपोजिंग, मैंने वहाँ कंपोज किया 1-1.5 घंटे में और गैली में सर कुछ ट्राई किया, मैंने मैं प्रूफ निकालूँ, नहीं आप हम खुद प्रूफ निकाल लेंगे आप कल आइएगा आपकी ट्रायल हो गई है। अगले दिन जब मैं गया तो आई वॉज इंग्लिश का था आई मीन कंपोजिंग, तो मैं द मूवमेंट आई एंटर्ड मेरे को बोले आपसे तो कम से कम आपसे डिप्लोमा होल्डर आपकी उम्मीद नहीं थी, आई वॉज स्टन्ड टू हियर दिस, मैं वर्स दिस, अरे आपने जो अपर केस है वो आपने उल्टा करके कंपोज किया, आपने तो मेरे को स्टोरी प्रूफ नहीं नहीं प्रूफ दिखाने लायक नहीं था, हमसे शर्म आती है आपको डिप्लोमा होल्डर ऐसे भी काम कर सकते हैं, मैं समझ गया मैं क्या ये जो इनका मेरे को प्रूफ क्यों निकालने दिया, इट मीन्स इन्होंने चाहते थे कि मैं ना आऊँ, डजंट मैटर, तो बिल्कुल उसके सामने एक प्रेस थी, देन आई स्टार्टेड मैंने वहां कंपोजिंग शुरू किया। चोपड़ा जी मैं कुछ बोल सकता हूं सर? हां जी सर बोलिए, कौन? हां शुभम से बात करना चाहता हूं सर मैं। हां जी, हां जी, जी सर। शुभम जी मेरा आपसे ये कहना है, आप अभी 2017 में पास करके निकले हैं। जी 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 राइट जी सर। कितने साल आपको बीते हैं सर? दो साल ढाई साल ऑलमोस्ट ढाई साल। देखिए पहली चीज आप अपनी लैंग्वेज ठीक करिए, कम्युनिकेशन। जी जी जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपके ही कॉलेज का जहां पे मैंने अपना काफी समय गुजारा। जी जी जी। तो मैंने अपने जीवन में बच्चों को बनाया है। यस यस। और जो दीपक हैं ये छोटी सी टैबलेट के ऊपर आते थे मेरे पास सीखने। जी जी। कि सर मुझे डिजाइनिंग सीखनी है। जी जी जी। और आज वो टैबलेट छोड़ के स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनका
सिलेक्शन किया गया था पर्सन ऑफ द ईयर इन बाय अडोब. जी जी छोटी मोटी कंसर्न नहीं है. यस 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 आई नो सर. नहीं नहीं बेटा देखो या तो हिंदी बोल लो या अंग्रेजी बोल लो, अगर दोनों मिला के बोलना है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी. किसी एक भाषा पे तो कमांड रखो अपनी. जी अगर आप ऐसे उछल कूद करते रहो कुछ आदि यदि कुछ इंग्लिश तो उसमें आप ही की पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है. ओके थैंक यू सर बताने के. हाँ और आप मेरा नंबर कहीं से ले लीजिएगा नहीं तो मैं आपको बताता हूँ. आप नोट कर लीजिए 9415275573. आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए. मेरे पास डेली कम से कम 100 से 150 वैकेंसीज आती हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री की. जी जी सर अभी मेरे बैच से और हमारे जूनियर्स बहुत सारे हैं जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं. मैं कॉलेज के किसी भी जो वर्तमान में वहाँ बैठे हैं उनके काम करने के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाऊंगा. क्यों नहीं बच्चे नौकरी पा रहे हैं अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बता दूंगा. जी जी जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे कॉलेज से बच्चे निकल के जाते हैं वो कॉलेज को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो इंडस्ट्री उसके बाद में कैसे लेगी. क्योंकि जो भी लोग हमारे जो मेरे से सीनियर इंडस्ट्री निकल के गए उन्होंने कुछ अपना वहां पे काम किया तो वो ब्रांड इंस्पेक्टर ब्रांड एम्बेसडर बन गए अपने कॉलेज के NIPT के. जी सर जी काम करके कॉलेज का नाम ऊपर किया. जी 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 राइट. अच्छा शुभम बात कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब मत ढूंढो जॉब इनको ढूंढे. मजा तो तब है अगर कुछ करे तो इनको जॉब ढूंढे. मैंने आपने भी वो लड़के का नाम लिया ना उसका दीपक का. अरे अगर लोग उसको ढूंढता है तो फिर सर वसी सर, 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 सर मैं ये कह रहा हूँ कि दीपक मेरा ही स्टूडेंट था और उसको कंप्यूटर में कोई भी नॉलेज नहीं. उसको मैंने हम पार्टिकुलर किसी दो चार या पांच बंदों को या फिर 10 बंदों किसी ग्रुप को नहीं कह सकते कि ये मेरा स्टूडेंट. हम बेटा मैं रिटायर हो चुका हूँ. 120 सर 120 एक बैच में 120 स्टूडेंट जाते हैं सभी आपके स्टूडेंट. किसने कहा सर आप अभी टीचर हो सभी आपके स्टूडेंट. अभी आप ये मत सोचोगे आप छोड़ गए. मैं तो अभी अपना स्टूडेंट मानता हूँ सर. NIPT नहीं मैं तो जितने भी इंस्टीट्यूट है ना सबको अपना स्टूडेंट मानता हूँ. आज भी जहाँ भी तो सर ये थोड़ा ब्रीफ बताइए कि टाइम पास हो गया कि आपने ग्रास रूट से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए. 1979 लाजपत नगर से नारायणा दो बसें बदल के जाता था मैं 250 रुपए के लिए और मैं रोता था मैं कहाँ फंस गया. कहाँ फर्स्ट डिवीजन मेरी हायर सेकेंडरी में टॉपर न्यूज़पेपर में नाम और कहाँ प्रिंटिंग में फंसा मैं. कोई बात नहीं वो बंदा वो भी डिप्लोमा होल्डर था ईश्वर चंद अभी नहीं है वो अलाइट प्रिंटर्स नारायणा क्वालिटी का है लेकिन उसने खूब धोया मेरे को. चल साफ कर मशीन है किया मशीन है साफ. फिर थॉमसन में गया थॉमसन से फिर तेज में आया तेज से फिर दिल्ली प्रेस गया दिल्ली प्रेस से टाइम्स ऑफ इंडिया गया फिर वहां से लाइन चेंज करनी शुरू की फोटो टाइप सेटिंग सिस्टम एंड ऑल दो स्टफ. मैंने यही बोला ना कि कुछ भी करना है तो दिल से करो डर के नहीं डरोगे तो मरोगे. अब मैं बता दूं कुलदीप जी का USA में 4 होटल हैं अभी इंडिया में भी 2 खोल रहे हैं और एक दो और भी प्रोजेक्ट है. कोई हमारे बाप दादा कोई ज्यादा अमीर नहीं थे नौकरी पेशा ही थे. परमजीत सिंह देखो परमजीत सिंह कंट्रोलर प्रिंटिंग स्टेशन रिटायर हुए. इस तरह कह रहे हो कि हम भी अपने कॉलेज से निकले थे बड़ी आंच से निकले थे कि डिप्लोमा किया है अफसर बनेंगे जब हम अफसर वहां ट्रेनिंग में पढ़ते थे तब ये कहते साला कोई मशीन मैन बनेगा कोई बाइनर बनेगा. ठीक है और हुआ भी ये कि हम जब पढ़ते थे तो एक मिस्टर अथैया थे मेरे से सीनियर वो बाहर किताब भर में मशीन चलाते थे तो मैंने कहा यार हाथ साफ करना बाद मशीन में बढ़ना है चलो अब मिस्टर थैया से ही काम सीख लेते हैं अंदर तो जब सीखते हैं सीखेंगे. चलो बाहर छुट्टी वाले दिन में वहाँ काम करते थे गर्मी की छुट्टियों में हम वही काम करते थे
और मिलते कितने थे 160 रुपए। उन 160 रुपए में हमने 2-3 साल कॉलेज में होते हुए काम किया। उसके बाद हम आ गए चंडीगढ़ में। मैंने की अप्रेंटिसशिप 1 साल की, पर अप्रेंटिसशिप करते टाइम ये मन में बना लिया कि काम सीख लो भैया, क्योंकि काम नहीं आएगा कोई नहीं रखेगा, मारे लाख बाहर निकाल दिया। ठीक, मैं सवेरे 8 बजे जाता था गवर्नमेंट प्रेस ड्यूटी में और रात को 8 बजे वापस आता था जब सेकंड शिफ्ट का लंच होता था। अंदर ही रोटी खाता था, अंदर ही चाय पीता था और कमरे में आकर सो जाता था। सवेरे नहा धोकर फिर काम पे। उसका फायदा यह हुआ हमारी मेहनत, हमारी सिंसेरिटी टुवर्ड्स द वर्क। ज्ञानचंद उसने मेरा नाम रिकमेंड किया कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को कि भाई साहब इतना सिंसियर और हार्ड वर्कर कोई नहीं है, इसको आप अपने दफ्तर में रख लीजिए, अपने प्रेस में रखिए, आपका ऑफसेट यूनिट चला देगा, लोगों को काम चला देगा। सबको नमस्कार। और एक ये बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, ये सच है कि योगेश जी ने जैसा कहा कि उनके ग्रुप ने ही ये एलुमनी का काम शुरू किया था और जिसको धीरे 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 सब लोगों ने सहयोग दिया और आज हम इतने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं कि इंटरनेशनल बेसिस में हम लोग इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दो मिनट बताऊंगा। हमारी एलुमनी एसोसिएशन जो है 2012 से काम कर रही है और वो रजिस्टर्ड बॉडी है और उसके लगभग 23-24 जो है हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, उसमें ट्रेजरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और डिफरेंट कमिटीज भी हैं डिफरेंट। अभी जैसा पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी, एक इस पे एक ऐसा एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है उसके अंदर। और मैं ये भी बताना चाहूंगा बीच में कि हम लोगों ने इंस्टीट्यूट जाकर कई बार काम किए, बहुत सारे बच्चों को इवन फाइनेंशियली मदद भी की गई है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी का नाम बताया जाए क्या किया गया, ये सब प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत थी वो बहुत सारे कार्य किए गए हैं। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 100% प्लेसमेंट तक की हम लोगों ने पहुंच की थी और 100% प्लेसमेंट हम लोगों ने कराई। और लेकिन ये ठीक है, अभी थोड़ी सी समस्या आ गई थी कोविड की वजह से, और नहीं तो हम लोग ये चाहते थे कि इस वक्त भी हम लोग जनवरी या फरवरी में वहां पर कोई फंक्शन अरेंज करें। अगर फरवरी एंड की बात चल रही थी लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं सर एग्जामिनेशन का समय है, इसलिए हम लोगों ने उस पर अरेंज नहीं किया। कमल चोपड़ा जी को भी हम लोगों ने ऑनर किया था एलुमनी एसोसिएशन, वो ऑल द वे ही वाज सो ग्रेट मैन कि वो वहां से ऑल द वे अपने लुधियाना से आए थे हम लोग का फंक्शन अटेंड करने के लिए। हम लोगों ने सिक्योरिटी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को इनवाइट किया था, हम मिस्टर एल आर नागपाल आए थे, मिस्टर केसी कपूर आए थे, मिस्टर सी एस मिश्रा आए थे, और जब हम लोगों ने इलाहाबाद में किया था तो मिस्टर एस शिवा और मतलब जितने लगभग मिस्टर बी एन माथुर आए थे, जितने पुराने हमारे लोग थे उन सब लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया था और हम लोगों ने कई फंक्शन किए। ये सच है कि अभी कुछ भी लोग कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है उन सभी मीटिंगों में आए थे, वो सब लोग उस मीटिंग में आए थे, उन लोगों को ऑनर भी किया गया था और उन लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया था, बहुत सपोर्ट किया था और उनके वजह ही से इतना सक्सेसफुल मीटिंग हो पाई थी। शायद हम सब भूल जाते हैं जल्दी जल्दी बातें, लेकिन ये सच है कि जिन लड़कों ने ये बात शुरू की थी, जिस ग्रुप ने काम शुरू किया था, उसको बहुत सहयोग मिला, लेकिन उनको हतोत्साहित भी बहुत कुछ हुए, उसका कारण कभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिर जैसा चर्चा हुई थी, योगेश जी ने जो शुरू किया था गुटेनियन, उससे उत्साहित होकर कमल जी और हमारे और सीनियर्स और टीचर्स से उत्साहित होकर हम लोगों ने पुनः इस कार्य को बहुत तेजी से किया। और आपको मैं बताऊं कि कल हमने सर्कुलर इशू हुआ है और हमारे पास फोन आने लगे कि लोग जो है लाइफ मेंबर लोग डिपॉजिट कराने लगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जितने सदस्य हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं या जो नहीं उपस्थित हैं, नए बच्चे बता रहे हैं कि वो एक लड़का बता रहा था कि 300 उसके ग्रुप में है और इन सब का हम लोग को जानकारी है, हमारे पास उसकी पूरी एक डायरेक्टरी है। अगर कमल जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि कमल जी के पास जो जुड़ी हुई डायरेक्टरी है अगर वो हमें भेज दें, तो हम लोग उसमें जो पहले की डायरेक्टरी है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 300, 350, 400 बच्चे हैं और हम लोग उसमें जोड़कर एक पूरी कंप्लीट डायरेक्टरी बना सकते हैं विद लेटेस्ट ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और पर्सनल कॉन्टेक्ट जो भी उसमें डाल सकते हैं हम लोग। तो कार्य बहुत हुए, एलुमनी एसोसिएशन ने, एनआरपीटी एलुमनी एसोसिएशन ने बहुत काम किया और मैं ये यहाँ बार बार ये कहना चाहूंगा, इसको शुरू करने का श्रेय हमारे केसी कपूर जी, हमारे माथुर साहब, हमारे मेहंदी रत्ता साहब, इन लोगों को बहुत जाता है। इन लोगों ने चाहे वो इंस्टीट्यूट से दूर रहे हों या इंस्टीट्यूट में रहे हों या ना रहे हों या रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने हमेशा हम लोग को प्रोत्साहित किया कि आप लोग ऐसा कुछ काम करिए कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। और उसका ये कारण रहा कि एक एलुमनी एसोसिएशन 2012 में बनी और काम
कर रही है और बहुत अच्छी तरह से कर रही है, ये बात ठीक है कि हम बहुत पब्लिसाइज नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा पब्लिसिटी ओरिएंटेड होने की आवश्यकता नहीं है। कोई अभी भी कुछ भी कह दे, लोग कहते हैं कि उनको पता नहीं है, लेकिन मैं एक एक आदमी का नाम लेके बोल सकता है कि वो कहां और किस वक्त और किस मीटिंग में उपस्थित थे, कहने को कुछ भी कोई कह दे। खैर, अब जो हम लोगों ने, हमारे निवेदन केवल यह है कि अल्मनाई एसोसिएशन की मेंबरशिप के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लोग मेंबर हैं, बहुत सारे लोग हमारे मेंबर नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे नोट लिए, दोबारा वो करने के बाद लोगों का फोन आने शुरू हो गए, लोगों ने जमा करना शुरू किया, जो लेटर हम लोगों ने इशू किया है उसमें सारे बैंक डिटेल्स हैं, उसमें सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों ने टच एंड गो किया है, क्या क्या हम लोगों ने अचीवमेंट सो फार किए हैं, उन सब का विवरण छोटा छोटा दिया गया है। तो आप सब महानुभावों से, आप सब सीनियर से, आप सब गुरुजनों से मेरा बस एक ही निवेदन है कि हम इस एसोसिएशन को आशीर्वाद दें, इस एसोसिएशन को आशीर्वाद दें, जिससे इस एसोसिएशन जिस मादा को लेकर हम लोग चले हैं, जिस विश्वास को लेकर हम लोग चले हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए, वो प्लेटफॉर्म बना रहे, वो प्लेटफॉर्म काम करता रहे और उस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा दिन आ जाए कि जैसे चोपड़ा जी ने अभी कहा कि जैसे चेन्नई में जो है उनको एक रूम मिला हुआ है, इंस्टीट्यूट के अंदर रूम मिला हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जो लड़का निकलता है पहले वो अपना अल्मनाई एसोसिएशन का मेंबर बनता है, लेकिन यहाँ तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह बना रहा, आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि ये सब हम लोग करेंगे। और ये भी होगा कि किसी भी इंटरव्यू में कोई ना कोई अल्मनाई एसोसिएशन का कोई ना कोई नॉमिनेटेड मेंबर बैठेगा जो ये कह सकेगा कि नहीं, जो सिलेक्शन हो रहा है प्राइवेट या सरकारी दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी समस्याएं जो है और जो छोटी छोटी बहुत सारी टीनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस तो बहुत सारे होते रहते हैं, पर्सनल लेवल पर हम लोग करते रहते हैं, आप लोग करते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक एक हम लोगों ने जैसे पहले चर्चा हुई कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, एक एडवाइजरी कमेटी का उस अगर आप चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसमें एडवाइजरी कमेटी का भी एक बनाया गया है आदरणीय बीडी मेघनाथ जी के, उसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी हैं, मिस्टर आर के सिंह भी हैं और भी तीन और परमिंदर सिंह है और उसमें मिस्टर एल के सक्सेना है और मिस्टर वीर बहादुर हैं। ये लोग हैं जो हमारे, हमने कोशिश किया है कि इंडस्ट्री से, एकेडमी से, लिटरेचर से, इन सब के क्षेत्र से, खेलकूद से, सब क्षेत्र के एक एक नामी हस्ती को इसमें जोड़ा गया है। और ये लोग जो है इनसे निवेदन किया गया है कि 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें मैनेजमेंट कमेटी को। मैनेजमेंट कमेटी जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, जो बहुत बहुत मैं नाम नहीं लूंगा, जो बैठे हुए हैं जो सीनियर, उनके साथ मैनेजमेंट कमेटी उनके साथ बैठकर उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करके आगे क्या भविष्य होगा, आगे कैसे करना है। और उसमें ये स्पेसिफिक बताया गया है कि पहला है कि हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिलेबस, दूसरा है हमारा जो ये जो अपना इंस्टीट्यूट है, हाउ टू डेवलप द इंस्टीट्यूट, हाउ टू रीबिल्ड द इंस्टीट्यूट, हाउ टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो सकती है, और तीसरा उसमें रखा गया है प्लेसमेंट, जो हम तीन बातों पर बहुत मुख्य चर्चा करना चाहते हैं कि ये तीन बातें हैं जिनको लेकर हम लोग पहले चलना चाहते हैं। और ये तीन बातें हम लोग लेके वो हमारी कमेटी जो आप लोगों के द्वारा जो बनाई गई है वो इसके ऊपर कार्य करने के बाद जो रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी अपने तौर पर, मैनेजमेंट कमेटी अपने तौर पर अपने सीनियर्स के साथ, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे पिलर्स हैं, जो हमारे गाइडिंग फोर्स हैं, हम उनको हर चीज में एक्टिवली नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो हमारे संरक्षक हैं, वो लोग हमारे एक आइडल बैठे हुए हैं, हम उन आइडलों को हम रोज रोज परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कमेटी, हमारा ये विश्वास है कि हम जरूर वो सारे निर्णय उन तक ले जाकर उनके सलाह, उनके सहयोग, उनके मार्गदर्शन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आज 2019 से लेकर हमारा 1957 से 2019 तक के सभी बच्चे जो हैं हमारे, जो भी पास आउट हुए हैं, उन सब का भविष्य क्या है, भविष्य को कैसे सुधारा जा सकता है। और जैसे कल डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा, हम कोई भी प्रोग्राम लेके चले एटलीस्ट 15-20 साल अहेड होके चले कि आगे 15-20 साल में क्या होने वाला है, उसके बारे में सोच करेंगे, विचार करेंगे और इन लोगों के मार्गदर्शन में इसको कार्य अंजाम देंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उसके मेंबर बन जाइए। उसके मेंबर बनने का कोई ये नहीं कि इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल हेल्प, इट इज ओनली बिकॉज टू शो द स्ट्रेंथ टू द अदर्स दैट वी आर यूनाइटेड एंड वी हैव गॉट द सफिशिएंट नंबर। हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास ये फोर्स है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जब हमारे पास संख्या होगी, हमारे पास सोर्स होगा, हमारे पास लोगों की एकता होगी, तो चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो, वो सब अभी जो इंडिविजुअली आते हैं वो फिर
केवल एलमनाई एसोसिएशंस को आएंगे और एलमनाई एसोसिएशन फिर उसमें अपने सभी पुराने नए बीच के सब लोगों के साथ इकट्ठा बैठकर कोई ऐसा काम करती रहेगी मैं कह रहा हूँ करती रहेगी कि जिससे कि भविष्य हम सबका बहुत ही उज्जवल होगा। हम लोगों ने तो जीवन जी लिया, कमल चोपड़ा जी ने जीवन जी लिया, मेदिता जी ने जीवन जी लिया, परमिंदर ने जी और बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर्स हैं, हम लोगों ने तो जीवन जी लिया, लेकिन हम सब के मन में एक ही उत्साह है, एक ही विचार है, एक ही भावना है कि जाते जाते भी कुछ ऐसा कहें कि आगे आने वाले भविष्य में हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको लोग कहते हैं कि इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री, हम उनको ये बता दें नो, हम प्राउड प्रिंटर्स हैं। ये कमल जी का स्लोगन है, वी आर द प्राउड प्रिंटर, तो हम जोर से कह सकें यस वी आर द प्राउड प्रिंटर। और प्लेसमेंट की बात जहां तक सवाल है, बहुत सारी प्लेसमेंट हुई हैं, बहुत सारी हो रही हैं, क्योंकि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ अगर किसी का प्लेसमेंट किसी एलमनी एसोसिएशन के थ्रू और कुछ हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ दिस हैज बीन डन, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर जो है ना इन्फीरियरिटी एक वो बात आ जाती है। तो हम लोग कभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि किसका प्लेसमेंट कहाँ से हुआ है, केवल हम फिगर दे देंगे, फिगर दे सकते हैं, बट वी विल नॉट डिस्क्लोज कि एक्स वाई जेड जगह पर एक्स वाई जेड को गया। आप समझ सकते हैं आदमी का ह्यूमन साइकोलॉजी और मेंटल स्टेटस के बारे में ये बात होती है, तो हम लोग ज्यादा उस चीज को नहीं कहना चाहते हैं। तो मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, हमारे इस पे एलमनी जो उसका है, उसके एसोसिएशन के जो वो अपना ग्रुप है, जो प्लेटिनम ग्रुप है, उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर ये उपलब्ध है। गुटेनियन पे मैं नहीं डाल पाया क्योंकि गुटेनियन के साथ मैं अभी नहीं जुड़ा हूँ, तो मैं उस पर डाल नहीं पाया, लेकिन अवश्य कोई ना कोई उसमें भी डाल देगा। तो आप सबसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है प्रिंटिंग भविष्य के लिए, क्योंकि हम पूरे दुनिया में हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, और NRIPT जिसने हमें रोजी रोटी दी, मान सम्मान दिया और हमारे बच्चों को जीवन दिया, उन सबको मिलते हुए, और वो जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिनके आशीर्वाद से हमने ये काम किया है, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करते हुए इस एसोसिएशन को हम बहुत आगे ले जाएंगे। आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस निवेदन के साथ कि आप सब प्लीज मेंबर बनिए। कमल चोपड़ा जी का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, कमल चोपड़ा जी का हमारे ऊपर ही नहीं पूरी प्रिंटिंग फ्रेटर्निटी के ऊपर है। और ये डेफिनेट जानिए, जो भी निर्णय हम लोग करेंगे, ये फिर बता रहा हूँ, ऑन बोर्ड बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जो भी हमारा निर्णय होगा, कमल चोपड़ा जी, BN माथुर जी, सोनी साहब और भी SC सिन्हा जी हैं बैठे हुए हैं, इन सब के जानकारी में, इन सब के सहयोग से और इनके मार्गदर्शन से ही किया जाएगा। लेकिन अब ये वो लोग हैं, ये संरक्षक हैं हमारे, इनको हम डे टू डे उसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका मार्गदर्शन जरूरी है, इनका आशीर्वाद जरूरी है। इसलिए इनके मार्गदर्शन, इनके सहयोग और इनके आशीर्वाद से हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग की जो टीम है, हम लोग की, हमारी टीम का मतलब मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट कमेटी की टीम है, टीम, यू ऑल आर टीम मेंबर, आप सब मेंबर हैं उसके, आप सब टीम मेंबर हैं उसके, आप सब सहयोग देंगे। मैं आपका सबका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परमिंदर से जी, कुछ कहना चाह रहे हैं परमिंदर जी? बोलिए। नहीं, कह रहे हैं बस, मैं थैंक यू कह रहा था इनको कि ही हैज कवर्ड ऑल द थिंग्स, दैट्स गुड, और मोटिव बहुत पॉजिटिव है, लेट्स से स्टे यूनाइटेड, और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा सब। तो और कोई कुछ कहना चाहेगा? आरके सिंह जी, राजीव के सिंह, आरके सिंह कुछ कहना चाह रहे थे? सर हां बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि NRIPT मेरी सोल है, आत्मा के लिए जो भी आदमी कुछ कर सकता है वो पूरे अपने शरीर में हमेशा करूंगा और आगे भी करता रहूंगा टिल माय लास्ट, बस मैं इतने कह सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सर। अभिषेक विश्वकर्मा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैं NRIPT सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, वेरी गुड सर। सर हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को पता है कि हमारा कॉलेज 1957 से रन कर रहा है, पर हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो स्टडी हम लोग यहाँ कर रहे हैं वही उसके आगे जो हायर एजुकेशन है वो हमारे ही कॉलेज में क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई तो कारण होगा सर? हो जाएगा, अभी कर रहे हैं। अभी देखो एक्चुअली हर काम को टाइम लगता है, अभी एक कमेटी बनी है, हमारा आइडिया यही है कि यहाँ बाकी जहां तक रहेगी अपने इंस्टीट्यूट की बात, डेफिनेटली होगा। अभी देखो अगर दोबारा शुरू किया है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारे साथ सिन्हा साहब हैं, जो कि आपको पता है डायरेक्टर प्रिंटिंग थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो उनकी अप्रोच होगी गवर्नमेंट के अंदर, ट्राई करेंगे। देखो दोनों फर्क होता है, एजुकेशन और नॉलेज में फर्क है। एजुकेशन इसीलिए दी जाती है कि आपको नॉलेज आए, बिना एजुकेशन के नॉलेज नहीं आएगी, वो एजुकेशन नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको गेन करनी है, अगर देखो चांस मिले ना, अगर आप चाहो खुद कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है वहां पर इलाहाबाद में, किसी प्रेस में चले जाओ, कोई प्रेस वाला मना नहीं करेगा। हमारी एसोसिएशन भी इलाहाबाद में, हमारी अपनी एसोसिएशन है, आप प्रेस में जाओ, देखो कैसे काम हो रहा है, देखो वो क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको स्टडी करो, टीचर से बात करो, वो एक्सपीरियंस है, वो कभी नहीं टाइम मिलेगा आपको, हमारे पास टाइम नहीं है वो। Yes, आप लगता है ऐसा करने से बेटर हो सकता है, तो आपको कौन रोकता है? मशीन चलाने के लिए नहीं जाना, मैं बार बार कर रहा हूँ, मशीन चला, देखो सिंपल है, एक पेड़ है ना, पेड़ के अंदर बहुत से पत्ते हैं, कुछ फ्रूट है, पत्ते बनना या फ्रूट बनना आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, पत्ते बनना या फ्रूट बनना, सभी का तो फ्रूट से बनना है। सिंपल है, अगर फ्रूट बनना तो फिर उस तरह बनना पड़ेगा, पत्ते तो नौकरी तो मिल जाएगी, मशीन चलाएंगे नौकरी नौकरी नहीं होती, मैं बता दूं, वो कोई सर्विस थोड़ा है, आपको इसके लिए थोड़ा ट्रेन किया जा रहा है, यू हैव बीन ट्रेन हाउ टू गेट द प्रिंटिंग डन। काम करना आसान है, करवाना मुश्किल है, करवाना सीखो, करवाना बहुत मुश्किल है, करवाना मुश्किल है, करना तो बहुत ही आसान है, आपने यहाँ सीखना करवाना कैसे है, मतलब हम लोग को इतना अपने आप को काबिल बनाना है कि कंपनी में किस तरह हम लोग को वर्क करवाना है लोगों से, वो नहीं डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम वर्कर बनना चाहते हो कि मैनेजर बनना चाहते हो, आपके ऊपर सिचुएशन के अनुसार आपको अपना डिसीजन लेना है। और अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू हैव दी क्लिक इन योर माइंड कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस एन एम्प्लॉय कि आप वो आपकी बात सुनकर आपको मोटिवेट करके आप कैसे उससे काम निकाल सकते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हमको जो हमने हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि लोग काम करना तो कर देते हैं लेकिन काम करवाने में अटर फेलियर है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ, दे आर वेरी एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग वर्कर, लेकिन जब उनको मैनेजमेंट साइड में हम लेके आए, जब उनको मैनेजमेंट साइड में ट्रांसफर किया, नाउ दे विल हैव टू टेक द वर्क फ्रॉम द अदर्स, अटर फेलियर। तो इसलिए, और लेकिन हम जब जैसे अपने कमल जी और हमारे आदरणीय सीनियर्स ने बताया कि हम लोग जब निकलते हैं तो व्हाइट कॉलर की बात करते हैं, जैसे अब तो खैर प्रिंटिंग व्हाइट कॉलर ही हो गई, तो व्हाइट कॉलर में करने से ज्यादा करवाने की अहमियत, और करवाने के लिए मैं आप ये बता रहा हूँ कि उसके लिए आपके अंदर एक सिक्स सेंस एक डेवलप करना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं बिकॉज वी आर हैविंग एवरीथिंग टू बी अटेंडेड अदर प्रायोरिटी, बट यू विल हैव टू हैव द क्लिक टू डिसाइड कि आउट ऑफ दिस प्रायोरिटी व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी, व्हेन यू विल बी एबल टू डिसाइड व्हिच इज द मोस्ट प्रायोरिटी जॉब फॉर यू, देन यू विल बी ए परफेक्ट मैनेजर, परफेक्ट सुपरवाइजर, ए परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं तो जरूरी तो सारे काम है, जरूरी सारे काम है, हर काम बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें क्या क्या बहुत जरूरी है, जीके शर्मा बड़े गौर से सुन रहे हैं हमारी बात क्योंकि तो उसमें क्या जरूरी है ये निश्चित करना बहुत आवश्यक है। और yes. कमल जी इस मामले में मास्टर हैं, कमल जी ने पूरी दुनिया मुझे दिखाई, कमल जी मुझे कहाँ कहाँ नहीं लेके गए, कौन कौन से फोरम में, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान तो कभी भी बुला देती मुझे, विदेश ले जाके किस किस फोरम में मुझसे लेक्चर नहीं दिलाया उन्होंने, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंटर आती मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इस शख्स ने, आई एम सॉरी कमल जी को ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्होंने जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, बच्चे को टीच किया जाता है, रात को जब शाम को हम लोग बैठते थे, इज अ टीटोटलर, जब हम लोग शाम को बैठते थे, इज अ प्योर वेजिटेरियन, इज अ टीटोटलर, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि शाम को बैठते थे तो कुछ ऐसा वैसा होता था, ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त एक एक चीज बताते थे, सिन्हा जी इसको ऐसे करने से ये हो जाएगा, इसको ऐसे, और धक्का मार के होता है ना कि लात मारा और भेज दिया स्टेज के ऊपर, अब वक्त आओ जो भी वक्त आए, उस वक्त ये वो शख्स हैं, इनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था इनका एहसान मेरे जीवन पर है, ये संरक्षक है, और इस और इनके संरक्षण में अगर हम अगर कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आज 1957 से 2012 तक हम एकजुट नहीं हुए, केसी कपूर साहब के केवल मार्गदर्शन में हुए, आगे अगर हम बिखर गए तो फिर यही समस्या हमें आएगी, इनका फायदा उठाइए, ये हर तरह से रिसोर्सफुल हैं। आप पूरी बात आपको शायद नहीं पता हो, मैं
मुझे पता है कहाँ से कहाँ तक रिसोर्सफुल है। चाइना इंस्टीट्यूट में हम जब गए, आपको बिलीव करिएगा कि चाइना इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जब हम लोग गए वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट था वो हम लोग को रिसीव करने आया। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर इन दैट, जो एक ग्रुप गया था कमल जी के नेतृत्व में, तीन आदमी गए थे, हम भी गए थे। और there we discuss how to develop the printing industry in India and how the cooperation can be strengthened between Indian industry and the Chinese industry in the printing trade. तो वो जो डिसीजन हुआ, ये जो आप लोगों ने देखा ना रोमांस इन प्रिंट और ये और वो, 1 लाख 2 लाख ये सब वो प्लानिंग थी, ये 5 साल पहले प्लानिंग हुई थी और प्लानिंग होके कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो ये तो है ही हमारे पास, लेकिन हर को अपने अंदर, ठीक है यू आर ए वेरी गुड वर्कर, worker as a worker it will be very very difficult for you to go to on the top. You will have to have changed your line to become the manager, supervisor, administrator, to go on the top, whether in the, your private organization or in the corporate organization or in the government organization. Agar aapko principal banna hai, agar aapko principal banna hai to aapko malum hona chahiye ki aapka lecturer kaun hai, kaisa hai, uski kya positive hai, kya minus hai, ye sab kuch agar aapke paas jankari ikatthi ho jayegi to aap bahut acche manager banenge, बहुत अच्छे सुपरवाइजर बनेंगे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल बनेंगे। आप सब इंडस्ट्रियल से मेरा निवेदन है, प्लीज 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 अपने को फोकस करिए, अपने को फोकस करिए, जैसे मौर्या ने किया, मौर्या ने किया। आप सब हमारे पास अशोक गुप्ता जी हैं, अशोक गुप्ता जी ने अपनी तरक्की और तरह की, ये प्रेसिडेंट है वैसे भोपाल मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन के, हमने एसोसिएशन बनाई थी भोपाल में, अभी प्रेसिडेंट है वहां, और ये प्रिंटर भी है, बिल्डर बन गए, इनका अपना मॉल है, अपना थिएटर है, मतलब व्हाट एंड व्हाट नॉट। अशोक जी बोलिए जरा, आपकी क्या राज है तरक्की का, बताइए बच्चों को। नहीं एक्चुअली सब बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि इनके लिए मेहनत बहुत जरूरी है, और yes, अभी मैं देखता हूँ आजकल हमारे पास भी बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि ये तो अभी मैं सुन रहा था कुछ बच्चों को मशीन में काम करना पड़ेगा, तो वो मशीन में काम करने की वजह से ITC को लोग छोड़ के चले गए बच्चे। जबकि मेरे हिसाब से जब मैंने थॉमसन प्रेस ज्वाइन किया था तो पहली रात तो हमें केवल टेप निकालने का काम दिया गया था कि पूरी रात एस्टोलन शीट से टेप निकालना है, तब क्या करके धीमे धीमे हमने ग्रो किया है। तो बिना मेहनत के मेरे को नहीं लगता कि बच्चे कुछ कर पाएंगे। नहीं मैंने स्टार्टिंग तो 83-84 में पास आउट करके शुरुआत मैंने किया थॉमसन प्रेस से, यस फरीदाबाद से, और थॉमसन के बाद मैं दिल्ली गया सरस्वती ऑफसेट में, दिल्ली से फिर भोपाल आ गया, भोपाल में एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू किया, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस लगाया 93 में, और प्रिंटिंग प्रेस से जब पैसा थोड़ा ज्यादा कमाया तो बिल्डर बन गए, और पिछले 10 साल से हम लोग रियल एस्टेट में हैं, कुछ कॉलोनी बनाए एक दो और एक छोटा सा मॉल बनाया है, और बाकी भोपाल में एक अच्छा अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये प्रिंटिंग लाइन तो बहुत पेइंग लाइन है, अगर उसमें मेहनत की जाए तो, खुद के लिए की जाए तो। तो आपको मॉल का आइडिया भी एलामा से आया? बेचने से बेहतर है कि हम अपने लिए खुद कुछ करें, और उसको मॉल बना दिया। तो बेटे बच्चों बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जब गुप्ता जी कर सकते हैं, जब अरुण सिन्हा कहां से कहां पहुंच सकते हैं, नरेश अभ्राय है, तो ऐसा आप में को कमी तो है नहीं। आपने परमिंदर सिंह को देखा, परमजीत सिंह को देखा, दोनों तरह के गवर्नमेंट जॉब्स वाले भी हैं, दूसरे भी, अब तो खैर गवर्नमेंट जॉब श्रिंक हो रही हैं, जैसे रेलवे ट्रेफिल सारी बंद हो गई, दूसरी पैसे भी बंद हो रही है, तो डोंट कंसंट्रेट ऑन द गवर्नमेंट जॉब, आप कुछ नया करने की कोशिश और कर सकते हो, आप लोग ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ट्राई टू डू समथिंग न्यू, ट्राई टू डू सम रिसर्च, थोड़ा कीजिए तो कोई रोक नहीं सकता, तरक्की में कोई नहीं रोक सकता। और योगेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? योगेश भाई यार, तुझे हाँ योगेश जी। अरे भाई साहब नरेश से बात करते हो, आया ही नहीं तब क्या करें। नरेश है, नरेश है, हाँ नरेश हो रहे हैं। नमस्कार सबको, नमस्कार सुनियर जूनियर जूनियर जो भी है, बड़े छोटे सबको नमस्कार। मेरी कहानी यूएसी को पता सारी, अभी हम ये बंद करेंगे, कंक्लूड करेंगे, आई थिंक इतना लो। और मेरी रिक्वेस्ट है कोई ऐसी पर्सनल बातें आपस में करो यार, ये इस पर आगे मत करो, कोई ऐसे बाकियों का माहौल खराब होता। अगर नेक्स्ट संडे का है प्रोग्राम तो बताइए मेरे को।
सर पांच जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन है और सारे गुरु साथ में होंगे तो उनके प्रति हमारी एक वो भी हो जाएगी, हम गुरुओं का आशीर्वाद भी ले सकेंगे। तो 5 जुलाई तक तो सर अगर गुरु पूर्णिमा तक अगर कंटिन्यू कर सके तो आपकी मेहरबानी सर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। तो 5th को दोबारा मिल रहे हैं हम। यस सर, सारे गुरु को नमस्कार करने की आवश्यकता होगी सर, हम सब गुरु को नमस्कार कर पाएंगे। सबको फोन करके बुला लेंगे सबको। और जो जो नए स्टूडेंट है जो वो पढ़ रहे हैं, जो जिनको सर्विस चाहिए, अगर वो अपना एक ग्रुप बना के एक अलग से करना चाहे मेरे को बताएं। पहले आप आपस में सलाह कर लो, वी कैन ऑर्गेनाइज डिफरेंट मीटिंग फॉर यू ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। यस सर, आपके आपके ऊपर कॉन्टेक्ट करो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko namaskar.